टिकटॉक मोनेटाइजेशन इन पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं कि टिकटॉक पे कैसे काम किया जाए, टिकटॉक क्रिएटिव बीटा प्रोग्राम पे कैसे काम किया जाए, वन मिनट ग्रोथ प्लस प्रोग्राम पे कैसे काम किया जाए और टिकटॉक का मुकम्मल कोर्स किधर से मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टिकटॉक का मुकम्मल प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें आप लोगों को अकाउंट बनाने से लेके वीडियो एडिट करने तक, अपलोडिंग का तरीका और उसके बाद जो जो मसाइल आते हैं वो सब तरीके बताए जाएंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताए जाएंगे जिन पर आप लोग आसानी से काम कर सकेंगे और आपका टिकटॉक जो प्रोफाइल है, अकाउंट, वो जल्दी ग्रो होगा। तो ये जो कोर्स टिकटॉक का करवा रहे हैं ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त मोहसिन अली भाई, जिनको एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया है टिकटॉक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पर काम करते हुए और माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्निंग की है और उनके स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। इनके मैं चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनकी प्रोफाइल्स के लिंक भी दे दूंगा, लेकिन आप लोग ये मुकम्मल कोर्स देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा कोर्स है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना है तो आप लोग मोहसिन अली भाई से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी आप लोग कमेंट्स करके या ईमेल पे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ कोर्स की तरफ। आप लोग ये लाजमी कोर्स देखें, बहुत हार्ड टॉपिक है, आप लोग यकीन करें अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर अर्निंग करेंगे। बहुत ही प्रोफेशनल और हाई लेवल का कोर्स है जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए फ्री है। वैसे ये पेड कोर्स करवाते हैं, मेरे कहने पे उन्होंने आप लोगों के लिए फ्री करवाया। तो आप लोग इस कोर्स को देखें और अपना कैरियर जो है वो बनाएं। $8,000, $3,000 और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि टिकटॉक से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, जब आपकी फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम टिकटॉक। आज की क्लास में आपको ये बताऊंगा कि आप टिकटॉक के किस टाइप के अकाउंट पे काम करोगे और टिकटॉक की किन टाइप्स की मोनेटाइजेशन है। अब आप सबको ये पता होगा, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ, वीडियोज अपलोड करते हो आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। फेसबुक की मोनेटाइजेशन है, आपका पेज मोनेटाइज हुआ, वीडियोज अपलोड करते हो आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते वक्त एक छोटी सी मिस्टेक आपके अकाउंट के RPM पे बड़ा ही इंपैक्ट डालती है, जो कि आप इन दो पिक्चर्स को देख के आइडिया लगा सकते हैं। एक तरफ काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ है, RPM कम होने की वजह से काफी कम अर्निंग हुई है, दूसरी तरफ व्यूज कम है, RPM अच्छा होने की वजह से काफी अच्छी अर्निंग हुई है। यही कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि मोस्टली लोगों को या तो टिकटॉक पे काम स्टार्ट करने से पहले पता ही नहीं होती या वो इग्नोर कर देते हैं। फिर बाद में उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनके अकाउंट्स के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे या मोनेटाइज होने के बाद, अकाउंट मोनेटाइज होने के बाद उनका RPM अच्छा नहीं हो रहा। तो वो सारी की सारी बेसिक चीजें या वो सारी की सारी बेसिक नॉलेज जो कि आपको टिकटॉक पे काम स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आपकी फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम टिकटॉक। फर्दर क्लासेस भी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी, मेक श्योर कि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ठीक है। सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि टिकटॉक की किन टाइप्स की मोनेटाइजेशन है, ठीक है। सबसे पहले जो टिकटॉक की मोनेटाइजेशन थी वो क्रिएटर फंड के नाम से इन्होंने लॉन्च की थी 2021 के अंदर। 25 मार्च 2021 को सबसे पहले टिकटॉक ने अपनी मोनेटाइजेशन लॉन्च की थी क्रिएटर फंड के नाम से। अब ये मोनेटाइजेशन इस तरह की थी कि इस पे काम किया ना किया एक बराबर था, क्योंकि इसमें इतनी अर्निंग टिकटॉक नहीं दे रहा था। फंड बेस्ड सिस्टम है, जैसा कि नाम से जाहिर है, फंड दे रहा था वो बस, ठीक है। मोनेटाइजेशन कमर्शियल नहीं हुई थी, ठीक है। इसके लिए इन्होंने जो बजट रखा हुआ था 231 मिलियन यूरोस का बजट रखा हुआ था अगले 3 साल के लिए। ये प्रोग्राम चला 2021 से लेके 2023 जनवरी या फरवरी के मिड तक, इसके बाद इन्होंने इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। अब इसका जो क्राइटेरिया था एज इट इज़ था कि आपका अकाउंट USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या इटली से बना होना चाहिए। उस अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपने उसके ऊपर 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं, 1,00,000 व्यूज विद इन 30 डेज कंप्लीट करने हैं और कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट आपने कंटेंट अपलोड नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि मोस्टली गोरे ही काम कर रहे थे, मोस्टली USA या UK के क्रिएटर ही काम कर रहे थे, लेकिन वो भी इस चीज़ को लेकर नाखुश थे क्योंकि उनके व्यूज़ 1 मिलियन 2 मिलियन USA के अंदर आने के बावजूद भी उनको $50-$100 की अर्निंग बस मिल रही थी। सिर्फ फंड बेस्ड सिस्टम के बिहाफ पे टिकटॉक ने ये मोनेटाइजेशन अपनी लॉन्च की थी, ठीक है। क्रिएटर्स ने टिकटॉक की टीम को 12 बार रिपोर्ट किया था कि भाई ये आपकी जो मोनेटाइजेशन है ये इस तरह की है कि हमें सिर्फ इस तरह से मिल रहा है कि जैसे कोई फंड दे रहा हो, ठीक है। इस वजह से टिकटॉक ने इस मोनेटाइजेशन को ख़त्म करके क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा के नाम से अपनी सेकेंड मोनेटाइजेशन अनाउंस की, जो कि हमारी सेकेंड मोनेटाइजेशन थी
2023 के जनवरी या फरवरी के मिड में जैसे ही ये मोनेटाइजेशन आई है, एशियन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चला और उन्होंने भी इस पे काम करना शुरू किया है। जैसा कि नाम से जाहिर है, बीटा, ठीक है, बीटा का मतलब होता है टेस्टिंग फेज़ के अंदर। किसी भी प्लेटफॉर्म में जब कोई मोनेटाइजेशन आती है वो पहले टेस्टिंग फेज़ से गुजरती है, फिर उसके बाद वो कमर्शियल होती है। अब ये टिकटॉक क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा या भी टेस्टिंग फेज़ था, ये पूरा एक साल मोनेटाइजेशन चली है। ड्यूरिंग एक साल के अंदर अंदर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इससे पैसे निकाले हैं, इवन दो कि मेरी टीम्स ने $10,000 के पेयआउट्स निकाले हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, इस प्रोग्राम में इतनी कम्युनिटी गाइडलाइन या आपको नॉट एलिजिबल फॉर 40 फीट के मसले मसाइल नहीं आते थे। इसका जो क्राइटेरिया था एज इट इज़ था, आपका USA का अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपने अपने अकाउंट के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं और 1,00,000 व्यूज़ विद इन 30 डेज कंप्लीट करने, ये इसका क्राइटेरिया था। आप इसका क्राइटेरिया कंप्लीट करके अपने अकाउंट को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते थे, विद इन 14 आवर्स या 48 आवर्स आपका वो अकाउंट मोनेटाइज हो जाता था। उसके बाद आप उस पर चाहे तो कॉपीराइट कंटेंट लगा लो, चाहे वो AI कंटेंट लगा के काम कर लेते थे, ठीक है। मोस्टली लोग अभी भी इस मोनेटाइजेशन को क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अब टिकटॉक ने अपनी मोनेटाइजेशन को कमर्शियल कर दिया। ये इनकी मोनेटाइजेशन कमर्शियल हुई थी पिछले साल दिसंबर की 15 तारीख को, उन्होंने इसका नाम चेंज करके क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम रख दिया था। अब ये टिकटॉक की कमर्शियल मोनेटाइजेशन है, जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स की मोनेटाइजेशन है, जैसे यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन है, एज इट इज़ इनकी भी ये मोनेटाइजेशन क्रिएटर रिवॉर्ड के नाम से अब लॉन्ग टर्म चलेगी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हैं, आपको AI कंटेंट के ऊपर भी इश्यूज आ रहे हैं, इवन दो के क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा जो इससे प्रीवियस मोनेटाइजेशन थी, इसमें AI कंटेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, ठीक है। AI कंटेंट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आउट बनाया गया कंटेंट, ठीक है। इस पर हमारी फर्दर क्लासेस भी होंगी, सारी चीज़ आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। अब जब ये क्रिएटर रिवॉर्ड आया, इन्होंने AI कंटेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी, आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड, आपको डिस्क्वालिफिकेशंस, आपको इस तरह की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी इस वजह से, क्योंकि अब इन्होंने अपनी मोनेटाइजेशन कमर्शियल कर दी जो कि लॉन्ग टर्म चलेगी, इसका क्राइटेरिया एज इट इज़ था। लेकिन इन्होंने इसमें फर्दर कंट्रीज़ भी इंक्लूड की थी। इसका जो क्राइटेरिया है, इन्होंने बताया हुआ कि 18 साल से ऊपर की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अगर आपने साउथ कोरिया का अकाउंट बनाना है तो उसके ऊपर आपकी 19 साल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। आपने 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं, अगर साउथ कोरिया का अकाउंट बना के काम कर रहे हैं तो आपके उसके ऊपर 50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 1,00,000 व्यूज़ विद इन 30 डेज कंप्लीट करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करना, लेकिन यह कि हमने ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट नहीं करना, हमने कॉपीराइट कंटेंट को ही ओरिजिनल वे में पोस्ट करना, जो कि फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसका अब क्राइटेरिया है जो कि टिकटॉक की ऑफिशियल मोनेटाइजेशन है, जिसपे आप काम करोगे, जिसपे हम काम करेंगे, जिसपे अभी सारे क्रिएटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद टिकटॉक अपनी एक और मोनेटाइजेशन लॉन्च करता है 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम के नाम से। अब ये 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम क्या चीज़ है, अब इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी थी उन क्रिएटर्स को जो कि यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आप में से काफ़ी लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि USA के अंदर टिकटॉक बैन हो रही है, ठीक है। तो टिकटॉक ने इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए कि अगर USA के अंदर टिकटॉक बैन होती है तो मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर किस तरह से लेके आऊँगा, इन्होंने फिर ये 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम के नाम से एक मोनेटाइजेशन अनाउंस की। अब इसमें क्या था कि आपको ना तो 10,000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत, सॉरी फॉलोअर्स की ज़रूरत थी, ठीक है, ना ही आपको 1,00,000 व्यूज़ की ज़रूरत थी। आप सिंपली क्या करोगे, आपके अगर यूट्यूब चैनल आपके पास है, वो चाहे किसी भी किस्म की आपने कॉपीराइट कंटेंट लगा के या ओरिजिनल कंटेंट लगा के ग्रो किया, किसी भी कैटेगरी का है, आप सिंपली गूगल पे जाके 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम लिख के सर्च करोगे, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ज्वाइन प्रोग्राम पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेंगे कि आपका वो यूट्यूब का चैनल आपके टिकटॉक के अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे और आपको वो मोनेटाइज कर देंगे, ठीक है। अब जब ये मोनेटाइज हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ये फर्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं 7 वीक चैलेंज। अब ये 7 वीक चैलेंज क्या है, अब इसमें टिकटॉक किस तरह से करता है कि पहले 7 दिन अगर आप 1 मिनट प्लस की वीडियोज़ अपलोड करते हो तो टिकटॉक मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस वीडियो को बूस्ट करता है, आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करता है, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक की नज़र में आप एक क्रिएटर हो जिसने 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसके बाद क्या होगा, आपको वो फर्दर बूस्ट देते हैं, 7 डेज आपकी वीडियोस के ऊपर मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1,00,000 तक व्यूज़ भी आते हैं, ठीक है। विद इन 7 डेज इस तरह से होता है, मल्टीपल वीडियोज़ के ऊपर आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा जब आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी इन्होंने क्या दी हुई है
कि आपको हम $300 का क्रेडिट देंगे अकाउंट अप्रूव होने के बाद। उस $300 के क्रेडिट को आप यूज़ करके अपनी वीडियोस को बूस्ट कर सकते हो तीन तरीके से। मतलब कि आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो कि फेसबुक के ऊपर ऐड चला के फॉलोअर्स लेते हैं, एज इट इज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। टिकटॉक आपको $300 देगी और बोलेगी कि भाई ये $300 लो, अपनी वीडियोस को बूस्ट करो, अपनी ऑडियंस बनाओ, ठीक है। वो बूस्ट किस तरह से होगा, तीन तरह से आप उस कैंपेन को चला सकते हो या अपनी वीडियोस को बूस्ट कर सकते हो। पहले नंबर पे अगर तो आपने अपनी उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ लेने हैं तो आप व्यूज़ वाली कैटेगरी सेलेक्ट करके बूस्ट करते हो, आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने फॉलोअर्स लेने हैं तो आप फॉलोअर्स वाली कैटेगरी सेलेक्ट करके बूस्ट करते हो तो आपको फॉलोअर्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल विजिटर्स लेने हैं तो आप प्रोफाइल विजिटर्स पर क्लिक करके आप बूस्ट करते हो तो आपको वो प्रोफाइल विजिटर्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये तो $300 का कूपन था जो कि आपको एक्टिवेशन के बाद, प्रोग्राम में इन होने के बाद मिलता था। फिर इसके बाद क्या था कि आपको $500 फर्दर भी मिलते हैं। अब ये $500 आपको किस तरह से मिलते हैं, अगर आपकी किसी एक वीडियो के ऊपर 600 व्यूज़ आते हैं तो टिकटॉक आपको हर हफ्ते $50 देगा, जो कि 8 हफ्ते तक ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। आपके अगर एक हफ्ते के अंदर एक किसी वीडियो के ऊपर 600 व्यूज़ आते हैं टिकटॉक आपको $50 देगा। आप उन $50 को बूस्ट करके अपनी वीडियोस के ऊपर एज इट इज़, जैसे पहले आपको बताया, या तो व्यूज़ ले सकते हो या फॉलोअर्स या प्रोफाइल विजिटर्स ले सकते हो। ये टोटल 8 हफ्तों तक ये प्रोग्राम चलेगा, 8 हफ्ते के अंदर अंदर टोटली आपको $500 देंगे, जिसको आप बूस्ट करके अपनी वीडियोस के ऊपर काफ़ी अच्छी ऑडियंस बना सकते हो, जो कि मोस्टली लोगों ने बनाई भी है। अगर आप यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करते हो 30,000 से 40,000 आपके फॉलोअर्स आ जाते हैं, कोई आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा, विद इन अ मंथ आपको इसके ऊपर अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन्होंने ऊपर ये बताया भी हुआ है कि आपके पास या तो यूट्यूब का चैनल होना चाहिए जिसके ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स हों, या आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए जिसके ऊपर 1,00,000 फॉलोअर्स हों, ठीक है। अगर तो इस तरह से है, फिर आप ज्वाइन प्रोग्राम पर क्लिक करके अपने इस यूट्यूब चैनल को या इंस्टाग्राम के अकाउंट को टिकटॉक के साथ लिंक करोगे, हम आपको मोनेटाइज कर देंगे, ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि आपने फुलफिल करनी। अब हमने किन टाइप्स की मोनेटाइजेशन पे काम करना है, अभी टिकटॉक की जो कमर्शियल मोनेटाइजेशन है, क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, हमने इस पे काम करना है, या फिर हमने 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स पे काम करना है, ठीक है। ये दो मोनेटाइजेशन हैं जिन पे हमने काम करना है। क्राइटेरिया इसका क्या है, एज इट इज़ है यूएसए बेस्ड आपका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। हमने या तो यूएसए के अकाउंट्स पे काम करना है या तो हमने यूके के अकाउंट्स पे काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 18 साल से ऊपर की उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपने 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं, 1,00,000 व्यूज़ विद इन 30 डेज कंप्लीट करने हैं, और कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एक और चीज़ आ जाती है जो कि मोस्टली लोगों को कंफ्यूज करती है कि हमारे पास पेपल भी क्या उसी कंट्री का होना चाहिए जिस कंट्री का हमारा अकाउंट बना हुआ। फॉर एग्जांपल, आप अगर यूके का अकाउंट बनाते हो तो क्या हमारे पास यूके का ही पेपल होना चाहिए? टिकटॉक ने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी। आपका पेपल किसी भी कंट्री का है, वो चाहे दुबई का है, वो चाहे सऊदीया का है, वो चाहे बिजनेस है, वो चाहे पर्सनल है, आप अपना पेपर लगा के अपने टिकटॉक के अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि हमारी जीमेल की टाइप क्या होनी चाहिए। अगर हमने यूएसए का या यूके का अकाउंट क्रिएट करना तो क्या हमें उन्हीं की कंट्री की जीमेल भी लेना पड़ेगी? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टिकटॉक ने बोला कि आप अपनी पर्सनल जीमेल के थ्रू आउट भी अकाउंट बना सकते हो टिकटॉक का मोनेटाइजेबल। यूएसए का या यूके का वो किस तरह से बनाना, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आपको मैं सारी की सारी बेसिक नॉलेज कन्वे कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि इन फ्यूचर हमने टिकटॉक पे किस तरह से काम करना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, व्हाट वीडियोस आर एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड, ठीक है, कि कौन सी वीडियोस हैं जिन पे टिकटॉक आपको अर्निंग देगा या देता है। सबसे पहली चीज़, टिकटॉक आपको ये कहता है कि आपकी जो वीडियोज़ हैं आपने 1 मिनट प्लस अपलोड करनी है, आपकी 60 सेकंड से प्लस वीडियोज़ होनी चाहिए अकाउंट मोनेटाइज होने के बाद, उन्हीं वीडियोज़ के ऊपर टिकटॉक आपको अर्निंग देता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपकी वीडियोज़ के ऊपर 1,000 क्वालिफाइड व्यूज़ होने चाहिए। अब ये क्वालिफाइड व्यूज़ और नॉर्मल व्यूज़ में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक वीडियो है मेरे सामने आई है, मैंने उस वीडियो को 2-3-4 सेकंड देखा, देखने के बाद स्क्रॉल कर दिया, वो एक व्यू काउंट हो जाएगा, क्वालिफाइड व्यू काउंट नहीं होगा वो, ठीक है। मिनिमम टिकटॉक ने बोला है कि आपकी वीडियो के ऊपर 5 सेकंड क्वालिफाइड व्यूज़ अगर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो मेरे सामने आई है, मैंने 5 सेकंड तक देखी है, वो एक क्वालिफाइड व्यूज़ कंसीडर हो जाएगा। अगर इसी तरह से 1,000 क्वालिफाइड व्यूज़ आते हैं आपकी किसी एक वीडियो के ऊपर, तो टिकटॉक आपका अर्निंग का डैशबोर्ड एक्टिव कर देती है, ठीक है। फिर इसके बाद टिकटॉक कहती है कि आप अपनी जो वीडियोज़ है
वो दो तरह से अपलोड करते हो, ठीक है। एक तो आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो, दूसरे नंबर पे आप पिक्चर अपलोडिंग करते हो, ठीक है। पिक्चर अपलोडिंग पे आपको टिकटॉक अर्निंग नहीं देगा, सिर्फ आपकी वीडियो अपलोडिंग पे ही टिकटॉक आपको अर्निंग देता है, ठीक है। और आप सबने वीडियोस ही अपलोड करनी है, पिक्चर अपलोडिंग पे आपको व्यूज आ जाएंगे लेकिन अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। फिर टिकटॉक कहता है कि अगर आप मेरे ही प्लेटफॉर्म से किसी की वीडियो को ट्वीट या स्टिच करते हो तो उस पर मैं आपको किसी किस्म की अर्निंग नहीं दूंगा। फर्दर ये है कि आप बाद में उसके साथ फेस रिएक्शन लगा के अपलोड करते हो या खुद का फेस डाल के ऊपर किसी की वीडियो डाल के लगाते हो तो फिर टिकटॉक उस पर आपको मोनेटाइज कर देता है और उस पर आपकी अर्निंग भी होती है। ये किस तरह से करना है ये भी हम थर्ड क्लास के अंदर, जो कि हमारी एडिटिंग की क्लास होगी, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है, आप कहते हो कि मेरा अकाउंट जो है वो मोनेटाइज है लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो क्या मैं पेड प्रमोशंस लेके एड्स चला के अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ ले लूँ तो क्या टिकटॉक उस पर मुझे पे करेगा? टिकटॉक ने बोला हुआ कि मैं आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ दे दूंगा लेकिन उस पर आपको किसी किस्म की अर्निंग नहीं होगी। तो ये है कि हमने किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट या पेड प्रमोशन से अपनी वीडियोस को बूस्ट करके व्यूज़ नहीं लेने क्योंकि उस पर हमारी अर्निंग नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर टिकटॉक कहता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट आपने कंटेंट अपलोड नहीं करना, कॉपीराइट कंटेंट अपलोड नहीं करना है। अब उनमें हमारे पास किस तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि टिकटॉक ने बोला हुआ कि वो कंटेंट हमने अवॉइड करना है? सबसे पहले नंबर पर आपने अडल्ट कंटेंट ये अपलोड नहीं करना, इस कंटेंट पर काम नहीं करना। एक तो ये कि मेरी तरह सभी रिकमेंडेड नहीं है, दूसरा टिकटॉक ने भी बोला हुआ कि अगर आप अडल्ट कंटेंट पे काम करते हो मैं आपको वॉलेशंस दूंगा, आपको 3 वॉलेशंस के बाद टिकटॉक या तो बैन या रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने वल्गर कंटेंट पे काम नहीं करना, ऐसा कंटेंट जिसके अंदर किसी किस्म की वल्गैरिटी हो, किसी किस्म की गालियाँ निकाली जा रही हो, मोस्टली गोरे कॉमन सी गाली निकालते होते हैं, अगर उस तरह की चीज़ें हों तो टिकटॉक आपको पकड़ता है, टिकटॉक आपको वॉलेशंस देता है, 3 वॉलेशंस के बाद या तो आपको बैन या फिर रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद बुली कंटेंट, वो कंटेंट जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हो रही हो, कोई मारदार हो रही हो या फिर बंदूकें चल रही हों या फिर कार एक्सीडेंट्स हो रहे हों, टिकटॉक उस पर भी आपको 3 वार्निंग्स देता है। अगर आप फर्दर उस कंटेंट को रिमूव नहीं करते फिर आपको टिकटॉक बैन रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड कर देता है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल कंटेंट, वो कंटेंट जो किसी मुल्क की निजी मामलात के साथ जुड़ा हो या काफ़ी सेंसिटिव कंटेंट हो, उस कंटेंट को अगर आप अपलोड करते हो तो टिकटॉक इस पर भी आपको वॉलेशन देता है। फॉर एग्जांपल मतलब आप अगर फलस्तीन के टॉपिक पे टिकटॉक पे बात करते हो तो वो आपको पकड़ लेते हैं, आप वो गोरे हैं तो वो इस चीज़ को मतलब नहीं करते वो, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट पे भी हमने किसी किस्म के न्यूज़ के कंटेंट पे भी काम नहीं करना। बिफोर मोनेटाइजेशन तक ठीक है, अगर आपने व्यूज़ कंप्लीट करने हैं तो आप इस तरह के कंटेंट को लगा सकते हो, लेकिन जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा फिर इसके बाद वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास अदर क्रिएटर्स का कंटेंट। फॉर एग्जांपल एक क्रिएटर है, एक टिकटॉकर है जिसकी वीडियोस ऑलरेडी टिकटॉक पे लगी हुई हैं, हम उसी की वीडियो उठा के कहते हैं कि हम उसकी स्पीड तेज़ करते हैं, उस पर फिल्टर शिल्टर लगा दें तो क्या वो मोनेटाइज हो जाएगी? टिकटॉक कहता है कि भाई नहीं, आपकी वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी, आपकी उस वीडियो के ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आ जाएगा। टिकटॉक ने क्लियरली बोला हुआ कि अगर आप अपनी किसी वीडियो की स्पीड तेज करते हो, उस पर फिल्टर लगाते हो, उसको फ्लिप भी कर ले तो फिर भी आपको समटाइम उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? कि टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है वो पिक्सल कैप्चर सिस्टम है, अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं है। जैसे यूट्यूब के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मूवीज़ एक्सप्लेनेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से है कि अगर आपका पिक्सल, आपकी वीडियो के पिक्सल्स, जो आपकी वीडियो के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो किसी दूसरी वीडियो बंदे की वीडियो के साथ मैच होती हैं तो नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आ जाएगा, जो कि मोस्टली कॉमन इशू मोस्टली क्रिएटर्स को आ रहा है। तो इस चीज़ को हमने किस तरह से सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट क्लासेज में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज आपकी ये क्लास थी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम टिकटॉक, कि आपने टिकटॉक पे काम स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किस टाइप के अकाउंट्स पे काम करना है, या तो हमने क्रिएटर रिवॉर्ड का अकाउंट क्रिएट करके काम करना है या फिर हमने 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स को या तो खुद मोनेटाइज कर लेना या मार्केट से जो लोग सेल कर रहे हैं उनसे बाय कर लेना। इन दो टाइप के अकाउंट्स पे हमने काम करना है ताकि हमें टिकटॉक पे विद इन अ मंथ अच्छा रिस्पॉन्स भी आए और हमारी विद इन अ मंथ अर्निंग भी शुरू हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद क्राइटेरिया क्या था वो मैंने आप सबको क्लियर कर दिया कि यह आपका क्राइटेरिया है जो कि आपने मीट करना है टिकटॉक के अकाउंट को मोनेटाइज करने के लिए। फिर इसके बाद पेपल की टाइप आपकी कौन सी होनी चाहिए, पेपल किसी भी कंट्री का हो, बिजनेस है, पर्सनल है, इंडिविजुअल है, कोई मसला नहीं है, वो आपका लग जाएगा, ठीक है। जीमेल की टाइप, जीमेल भी आपकी किसी भी कंट्री की हो मसला नहीं, वो भी आपकी लग जाती है, ठीक है, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल हमने इसी चीज़ पर डिस्कशन करनी है कि हम टिकटॉक का मोनेटाइजेबल अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से मल्टीपल वेज हैं टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। आपको किसी किस्म का किसी से अकाउंट बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद बनाओगे, किस तरह से बनाना है वो मैं कल की क्लास में आपको बताऊँगा, ठीक है।
बाकी ये कि मेरा खुद का यूट्यूब का चैनल भी है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी मैं अपनी काफ़ी ज़्यादा अपडेट शेयर करता हूँ टिकटॉक के रेलिवेंट। मेरा फेसबुक का पेज भी आप विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपनी काफ़ी डेली बेसिस पे अपडेट शेयर करता हूँ टिकटॉक के रेलिवेंट। ठीक है, मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, फर्दर ये कि कल हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी अकाउंट क्रिएशन के ऊपर, कि आपने टिकटॉक का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। क्योंकि अकाउंट क्रिएट करते वक्त मोस्टली लोग एक कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से उनका अकाउंट बैन, रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड 2-3 दिन के बाद हो जाता है, या फिर उनके अकाउंट के ऊपर शेडो बैन लग जाता है। फिर क्या होता है कि उनकी वीडियोस के ऊपर सिर्फ 200 व्यूज़ ही आते हैं, फर्दर व्यूज़ नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें हमने किस तरह से ध्यान में रखते हुए अवॉइड करनी है, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेफेस्ट वे कौन सा अकाउंट क्रिएट करने का। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अच्छा, जब आपकी सेकंड क्लास है अकाउंट क्रिएशन के ऊपर, कि आप किस तरह से टिकटॉक का यूएसए का या यूके का मोनेटाइजेबल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का किसी से अकाउंट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि हम किन किन वेज़ को यूज़ करते हुए ऑथेंटिकली यूएसए का या यूके का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल वेज़ आ जाते हैं टिकटॉक का यूएसए का या यूके का अकाउंट बनाने के लिए। पहले नंबर पे हमारे पास है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या चीज़ है, अभी हम इसी क्लास के अंदर डिस्कशन करते हैं। दूसरे नंबर पे आरडीपी। आरडीपी क्या होता है, आरडीपी एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे मेरा ये कंप्यूटर चल रहा है, एज इट इज़ जो आरडीपी सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको यूएसए का कोई कंप्यूटर या सर्वर बना के देता है जिस पे आप काम करते हो। फिर हमारे पास आ जाता है वीपीएन। अब ये जो वीपीएन है, इसमें आपको पेड वीपीएन यूज़ करना पड़ता है, जैसे नोड पेड वीपीएन है या सब शार्क पेड वीपीएन है। आप पेड वीपीएन लगाते हो अपने पीसी में, मोबाइल में नहीं करना, मोबाइल में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अपने पीसी में वीपीएन लगाना है। वीपीएन लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये एमुलेटर आपने कर लेना है। जैसे अभी आप यहाँ पे मेरे पास ये देख सकते हैं, ये एक एमुलेटर है। अभी एमुलेटर क्या चीज़ होती है, जैसे अभी आपका एक मोबाइल है, आप इसी तरह से अपने पीसी के अंदर इस एमुलेटर के थ्रू मल्टीपल मोबाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी एक मोबाइल मैंने क्रिएट किया हुआ, इसके अंदर प्ले स्टोर भी है, टिकटॉक भी है, सारी चीज़ें मोबाइल की तरह चल रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे मेरा वीपीएन कनेक्ट है यूएसए की न्यूयॉर्क की लोकेशन के ऊपर। ठीक है, अगर आपने बल्क में काम करना है, ज़्यादा अकाउंट्स को मैनेज करना है, तो फिर उसके लिए आप वीपीएन यूज़ करते हो। इस तरह से आप अपने पीसी के अंदर, यहाँ पे मैंने 5 मोबाइल क्रिएट किए हैं, इस तरह से मैं ये 5 मोबाइल्स अपने एक ही पीसी के अंदर चला रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ये सेकंड मोबाइल ऑन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा, और इस तरह से वन बाय वन में मल्टीपल मोबाइल्स को एट अ टाइम ओपन करके सभी पे अपलोडिंग कर सकता हूँ, सभी पे टिकटॉक की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका पीसी का सेटअप होता है, लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा कॉस्ट करता है, बेटर ये है कि आप अभी अपना मोबाइल का सेटअप बना लें। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ जाती है मोड टिकटॉक। अब आप सबको काफ़ी पता होगा इस चीज़ के बारे में भी, कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो जैसे कि मोड एप्लीकेशन, टिकटॉक की मोड एप्लीकेशन जो प्लगइन साथ होता है वो लगा के अकाउंट बना देते हैं, वो आपके का मोस्टली अकाउंट्स स्पैम हो जाते हैं। जब वो आपके अकाउंट स्पैम हो जाते हैं, आपके अकाउंट्स के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, आपके अकाउंट्स के ऊपर शेडो बैन लग जाता है, 200 व्यूज़ तक वो आपका अकाउंट रह जाता है, लिमिटेशंस लग जाती हैं, जिस वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं और डीमोटिवेशन होती है। ठीक है, तो अभी हमने किस वे को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट को बनाना है, अगर तो मोबाइल में काम करना है तो हम प्रॉक्सी यूज़ करेंगे, अगर काम करना पीसी में तो हम वीपीएन यूज़ करेंगे, नोड पेड वीपीएन कर लें या सब शार्क पेड वीपीएन कर लें या कोई पेड वीपीएन लगा के हम उसके थ्रू आउट काम करेंगे। ठीक है, अब मोबाइल में आपने सेटअप किस तरह से बनाना है, आज की क्लास में आपको मैं वो बताऊंगा। ठीक है, पीसी का भी इसी क्लास के अंदर बता दूंगा। फर्दर ये कि फिर आपने इंप्लीमेंटेशंस कर लेने कि आपने किस वे को यूज़ करते हुए यूएसए का ऑथेंटिक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो प्रॉक्सी के थ्रू आउट अकाउंट किया जाए, क्रिएट करूँगा मैं आपके सामने, वो समझ लें कि वन ऑफ दी सिक्योर वे, वन ऑफ दी बेस्ट वे है टिकटॉक पे काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ये एक मोबाइल देख सकते हैं जो कि मैंने अपने पीसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब इस मोबाइल की अगर मैं गूगल क्रोम पे जाके चेक करता हूँ अपनी लोकेशन, तो ये मुझे मेरी इस मोबाइल की लोकेशन बता देंगे कि मेरा ये मोबाइल कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुझे बता रहे हैं कि आपका ये जो मोबाइल है वो यूएसए की किंग लोकेशन है, सीलेट सेटल उसकी एक स्टेट है, उसकी लोकेशन किंग पे चल रहा है। ठीक है, और नीचे ये मुझे डायग्नोस बता रहे हैं 100% कि आपका ये जो अकाउंट मोबाइल है वो बिल्कुल 100% यूएसए के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, तो अब ये आपने किस तरह से करना है, अब हमारे पास एक वेबसाइट है, आप जब गूगल पे आओगे ABC प्रॉक्सी करके लिखोगे तो आपके पास इस तरह से ये प्रॉक्सी की साइट आ जाएगी। जब आप इसको ओपन करोगे
ओपन करने के बाद आपने जीमेल के थ्रू आउट इसका अकाउंट बना लेना, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो आपका अकाउंट बन के इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ से प्रॉक्सी बाय करनी है। अब ये प्रॉक्सी आपको पर मंथ $5 कॉस्ट करेगी, लेकिन ये है कि अगर आप इस प्रॉक्सी को यूज़ करते हैं आपके अकाउंट्स के ऊपर व्यूज़ भी आएंगे, आपके अकाउंट्स के ऊपर किसी किस्म की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। अब वो व्यूज़ कितने आएंगे, किस तरह से आएंगे, वो अभी मैं आपको एक अकाउंट ओपन करके साथ दिखाता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की हाउ ना हो जाए कि ये चीज़ कितनी ही सिक्योर है, ठीक है। अब आपने पहले नंबर पे प्रॉक्सी बाय करनी है। किस तरह से बाय करनी है, इस तरह का इंटरफेस आ गया आपके सामने। आपने इस प्राइसिंग पे क्लिक करना है। प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगा स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी। आपने इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर नया पे का, सादा पे का कार्ड है, बाइनांस है, आप उसके थ्रू आउट इन तीन मेथड को यूज़ करते हुए अपनी USA की प्रॉक्सी बाय करोगी या UK की प्रॉक्सी बाय करोगे, ठीक है। अब आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जब आप प्राइसिंग पे क्लिक करके स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी पे क्लिक करोगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना एक मंथ, अगर आपने एक मंथ की लेनी है। फिर इसके बाद आपके पास कंट्रीज आ जाता है कि किस कंट्री की आपने प्रॉक्सी लेनी है। आपने नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। अगर आपने USA की लेनी है तो आपने यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। ये आपकी एक प्रॉक्सी सेलेक्ट हो गई है। ऊपर आओगे तो ये बताएंगे कि पर मंथ आपको $5 ये कॉस्ट करेगी, ठीक है। आपने ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देना है। जब आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा आपके पास कि आप बाइनांस के थ्रू कर सकते हो, फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। इस तरह से आपके पास ये पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जो आपको सूट करे पेमेंट मेथड आपने उसके थ्रू आउट ये प्रॉक्सी बाय कर लेनी है। जब आप प्रॉक्सी बाय कर लोगे फिर आपके पास वो प्रॉक्सी किस तरह से आएगी, ये किस तरह शो करेगी, आपने ओवरव्यू पे क्लिक करना है। जब आप ओवरव्यू पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का होम इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगी प्रॉक्सीज। अब मेरे पास स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी है, एक्टिव इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे बता रहे हैं कि आपने दो प्रॉक्सीज बाय की होंगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यूज़र एंड पासवर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। यूज़र एंड पासवर्ड ऑथेंटिक पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने दूसरे नंबर पे देखना, स्टैटिक रेजिडेंटल प्लान लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद रीजन आपके आपकी जो भी प्रॉक्सी होगी, फॉर एग्जांपल मैंने सेटल की प्रॉक्सी बाय की हुई थी, मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लूँगा। ऑलरेडी मैंने बाय की हुई, नीचे मेरी उस प्रॉक्सी का IP आ गया। ये आपके प्रॉक्सी का IP होता है, जैसे आपके मोबाइल का IP है वैसे ही आपको USA का इन्होंने एक IP दे दिया कि आप इस USA का IP को यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हो, ठीक है। जब आप इस पे IP पे क्लिक कर दोगे फिर इसके बाद आपने क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप क्रिएट यूज़र पे क्लिक करोगे इस तरह से उसका आ जाएगा यूज़र नेम, ठीक है। फिर इस तरह से इसका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपने किस तरह से इसको लगाना है, अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड में वैसे दिखा तो नहीं सकता क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये, कि फिर स्पैम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ गया, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अच्छा, अभी मैं एक बात कर रहा था अकाउंट की। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये एक अकाउंट है। इसकी अगर मैं जाता हूँ पॉपुलर वीडियोज़ के ऊपर तो ये मुझे बता देंगे कि आपके इस अकाउंट के ऊपर जो पॉपुलर वीडियोज़ हैं कितने कितने उसने आपको व्यूज़ दिए हैं, ठीक है। 20 मिलियन व्यूज़, 53 मिलियन व्यूज़, 22 मिलियन व्यूज़, ठीक है। मतलब समझ लो कि प्रॉक्सी के थ्रू आउट अगर आप काम करते हो तो आपको इस तरह से रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। ये कि सिर्फ एक अकाउंट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फर्दर मैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में फर्दर अकाउंट्स भी दिखाऊंगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी मुझे एक एक वीडियो से आए हैं, ठीक है। अब आपने ये प्रॉक्सी लगाने किस तरह से, बाय तो कर ली, हमें ये तो समझ आ गई कि हमने बाय किस तरह से करनी है। फिर दूसरे नंबर पे हमने ये लगाने किस तरह से, आपके पास जो भी मोबाइल है आपने उस मोबाइल में से सिम्स निकाल देनी है, क्योंकि सिम्स होंगी तो फिर वो पाकिस्तानी ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी। जब पाकिस्तानी ऑडियंस आएगी तो फिर उस पर आपको पाकिस्तानी RPM आएगा और आपकी अर्निंग काफ़ी कम होगी। तो हमने USA की ऑडियंस को टारगेट करना है या UK की ऑडियंस को टारगेट करना है, हमें $1 RPM चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में से सिम्स निकालनी पड़ेगी। सिम्स आपने निकाल देनी और उस मोबाइल को आपने रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट कर देना, ठीक है, बिल्कुल नया कर देना रीसेट करके। रीसेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी लोकल इंटरनेट कनेक्ट करना है, वाईफाई कनेक्ट कर लें या किसी का हॉटस्पॉट लेके कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के बाद आपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आपने जीमेल के थ्रू उसका अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने सर्च बार पे सर्च करना है सुपर प्रॉक्सी, ठीक है। जब आप ये सुपर प्रॉक्सी सर्च करोगे आपके पास इस तरह से ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको आपने डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने जो प्रॉक्सी के अंदर जो बाय की थी IP, ठीक है, यहाँ पे हमने सर्वर की जगह पे IP लगा दिया, फिर उसके बाद नीचे पोर्ट लगा दी, फिर उसका यूज़र नेम लगा दिया, फिर उसका पासवर्ड लगाया। ये लगाने के बाद जहाँ पे ये स्टॉप लिखा हुआ रहा है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ जाएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और ये आपकी प्रॉक्सी चल जाएगी। अब ये मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो प्रॉक्सी है वो 16 मिनट से चल रही है, ठीक है, और एक्यूरेट वर्क कर रही है। फिर इसके बाद आपने एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आपने वापस से प्ले स्टोर पर चले जाना है। आपने यहाँ पर लिख के सर्च करना है फेक GPS, ठीक है। जब आप फेक GPS लिख के सर्च करोगे तो
तो ये क्या करेगा, ये आपकी लोकेशन को राउट कर देगा। हमें सुपर प्रॉक्सी ने तो वहाँ की लोकेशन दे दी, ठीक है, हमें पिन पॉइंट दे दिया कि ये हमारी प्रॉक्सी है, यहाँ पे चल रही है, लेकिन हमारा जो फेक जीपीएस होगा वो हमारी लोकेशन को राउट करेगा। आपने इस फेक जीपीएस को इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन करना, इस तरह का आपके पास से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैंने प्रॉक्सी बाय की थी सेटल की, मैंने यहाँ पे सेटल की लोकेशन पिन कर ली, इसके बाद मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब आपके पास इस तरह से स्टार्ट नहीं होगा, आपने क्या करना है, आपने अपने उस मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने अपने उस मोबाइल की डेवलपर मोड ऑन करना है। अब आप ये देखिएगा कि वो आपके कहाँ पे डेवलपर मोड ऑन होता है, आप ये बिल्ट नंबर पे क्लिक करोगे तो आपके बता देंगे कि आपके मोबाइल का डेवलपर मोड ऑन हो गया, ठीक है। जब आपके मोबाइल का डेवलपर मोड ऑन हो जाए फिर आपने सिस्टम सेटिंग्स में चले जाना है, फिर इसके बाद ये डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है कि कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट मॉक लोकेशन, ठीक है, वहाँ पे आपने ये फेक जीपीएस को एक्सेस दे देनी है, ठीक है। नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करके देखना है कि आपके पास आपके इस मोबाइल के अंदर सिलेक्ट मॉक लोकेशन कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम फिर अपनी उस लोकेशन को राउट करने के लिए उसको एक्सेस दे देंगे, फिर हमारी लोकेशन उसी जगह की हो जाएगी जहाँ पे हमने अपना फेक जीपीएस कनेक्ट करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके आपने चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है, सिलेक्ट मॉक लोकेशन मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको फेक जीपीएस की एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। मैंने फेक जीपीएस की एक्सेस दे दी, फिर इसके बाद मैं फेक जीपीएस ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद मेरी सेटल की प्रॉक्सी थी, अभी ये यूएसए है, ठीक है, ये पूरे का पूरा यूएसए है, यूएसए की सेटल जो स्टेट है वहाँ की मेरी ये प्रॉक्सी है। मैं ये सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर दूंगा। अब मेरी ये प्रॉक्सी एक्यूरेटली मेरे इस मोबाइल के अंदर लग गई है। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो पेपाल बैन है, मेरे इस मोबाइल के अंदर पेपाल भी चल रहा है, वाइस का अकाउंट भी चल रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रही, मुझे किसी किस्म की ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। यहाँ तक अब आप अगर काम करते हो तो आपकी प्रॉक्सी एक्यूरेट वर्क करना शुरू कर देगी। फिर आप आ जाओ गूगल पे, आप लिखोगे hoover.com, ये लिख के आप सर्च करो, ये आपको बता देंगे कि आपके उस मोबाइल डिवाइस का आईपी क्या, ठीक है। मुझे ये एक्यूरेट बता रहे हैं, ये मतलब मेरी जो मेरा ये जो आईपी है या जो मेरा ये मोबाइल है वो बिल्कुल 100% यूएसए के अंदर ही चल रहा है। तो इस तरह से आपने ये अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग्स कर लेनी है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। फिर आपने क्या करना है, वापस आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है, आपने टिकटॉक अब डाउनलोड कर लेनी है। अब आपको किसी किस्म के मोड टिकटॉक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मोबाइल समझ ले अब ऐसे चल रहा है जैसे यूएसए का मोबाइल चल रहा होता है। ये इतना ऑथेंटिक काम होगा कि आपको किसी किस्म का कोई वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब टिकटॉक डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ड्यूल स्पेस के नाम से। अब ये ड्यूल स्पेस क्या करेगी, अब इस मोबाइल के अंदर तो एक टिकटॉक है, मैंने ज़्यादा टिकटॉक के अकाउंट्स पर काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, बार बार अपने अकाउंट्स को लॉग इन लॉग आउट करने के बजाय मैं ये ड्यूल स्पेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूंगा। इसके अंदर मेरे पास ये मल्टीपल मैंने क्लोन्स बनाए हुए हैं टिकटॉक के, ठीक है। अब आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आप टिकटॉक पे क्लिक करोगे, क्लोन पे क्लिक करोगे, आपके पास इस तरह से एक और ये टिकटॉक आ जाएगी, ठीक है। हर एक के अंदर आपने एक एक अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है, इस तरह से आपने अपने अकाउंट्स बना लेने हैं टिकटॉक के मोनेटाइजेबल, ठीक। अच्छा, अब हमने टिकटॉक का अपना मोनेटाइजेबल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना उस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। ड्यूल स्पेस का मैं बता रहा था कि आपने ड्यूल स्पेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ये टिकटॉक आ जाएगी, आपने इसको क्लोन कर लेना है। जब आप इसको क्लोन कर लोगे इस तरह से आपके पास ये टिकटॉक आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उस टिकटॉक पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने उसकी प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपने नीचे देखना, ये साइनअप लिखा हुआ आएगा, आपने साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे जब आप क्लिक करोगे फिर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंटिन्यू विद गूगल। अब ये कंटिन्यू विद गूगल पे आपने क्लिक करने के बाद आपकी जो भी जीमेल होगी इस तरह से आपके पास ये ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ही मेरी ऊपर जीमेल आ गई है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरा इस पर ये अकाउंट बन जाएगा। किसी किस्म का मुझे कोई वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी किस्म की मुझे कोई आरडीपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या किसी किस्म की मुझे कोई मोड एपीके डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसकी मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, अब ये मेरा अकाउंट बन गया। रिलायंस पे क्लिक करता हूँ, क्रिएटर टूल्स पे जाता हूँ इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या ये मेरा अकाउंट मोनेटाइजेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। क्रिएटर टूल्स पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी ये मेरी प्रॉक्सी यूएसए की है, आप कोशिश करें कि यूएसए की ही आप प्रॉक्सी लें और उसी के थ्रू आगे काम करें, क्योंकि यूके के अकाउंट्स के ऊपर आइडेंटिटी वेरीफाई की अभी प्रॉब्लम चल रही है, आगे का पता नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, जो कि आपका मोनेटाइजेबल अकाउंट बन गया, ठीक है। ये आपने सिंपल करना है, आपने सिर्फ प्रॉक्सी लगाई,
बाय कैसे करनी वो मैंने बता दी, ABC प्रॉक्सी साइट का नेम है, वहाँ से आपने बाय की, बाय करने के बाद उसको अपने मोबाइल में किस तरह से लगाना है। मोबाइल में लगाने के लिए हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की सुपर प्रॉक्सी के नाम से, वो हमने डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर अपनी प्रॉक्सी लगाई और हमारा जो मोबाइल है वो बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे कि USA का मोबाइल चल रहा होता, ठीक है। अब ये मेरे पास इस तरह से मोनेटाइजेबल मेरा अकाउंट क्रिएट हो के आ गया, ठीक है। बस ये आपने सेटिंग्स करनी है और इसके अंदर किसी किस्म का आपको VPN लगाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वो मैं आपको बता देता हूँ, IP Vidgate के नाम से, ठीक है, IP Vidgate, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। आपने एड विडगेट टू होम स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना, फिर इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये मेरा IP दिखा रहे थे, ठीक है। ये आपने काम करना है, यहाँ तक आपका मोबाइल बिल्कुल ओके है, ऐसे चल रहा है जैसे USA का मोबाइल चल रहा होगा। ये आपने सेटिंग्स करनी है, इसके थ्रू आउट आपका अकाउंट बन जाएगा। टिकटॉक का आपने मोनेटाइजेबल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, ये आपकी सेकंड क्लास थी अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। फर्दर ये कि नेक्स्ट आपकी क्लास होगी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, कि आपने मोनेटाइजेबल अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस पर किस तरह का कंटेंट लगाना है, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्दर ये कि मेरा यूट्यूब चैनल भी ऑफिशियल है, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं काफ़ी टिकटॉक के रेलिवेंट नॉलेज शेयर करता हूँ और मेरा फेसबुक का पेज भी आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे टिकटॉक के रेलिवेंट अपडेट शेयर करता हूँ, ठीक है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज आपकी क्लास है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, कि आपने टिकटॉक के लिए किस तरह से कंटेंट बनाना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स होती हैं कंटेंट की। पहले नंबर पे कॉपीराइट कंटेंट, जिसमें हम दूसरों की वीडियोस को उठाते हैं, उन्हें एडिट करते हैं, आगे टिकटॉक पे अपलोड करते हैं, हमारा कॉपीराइट कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंट है जो कि टोटली कॉपीराइट कंटेंट पर चल रहा है, 20 मिलियन व्यूज़, 54 मिलियन व्यूज़, 8 मिलियन व्यूज़, 22 मिलियन व्यूज़, 14 मिलियन, 3 मिलियन, 8 मिलियन, मतलब कि आपको ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर। लेकिन ये कंटेंट कभी भी आपका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता। अगर आपको कि मैं इस कंटेंट से मतलब जितने मर्जी पैसे बनाऊं, तो इस तरह से नहीं है। एक टाइम पे आके आपको इस कंटेंट ने स्ट्राइक दे देनी है, कॉपीराइट दे देना है, आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। आपने किस तरह से कॉपीराइट कंटेंट निकालना है, उस पर किस तरह से काम करना है, उसकी किस तरह से एडिटिंग करनी है, आज की क्लास में हम उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। दूसरी आपकी टाइप है कंटेंट की AI कंटेंट, जो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंटेंट बनाते हैं। अब ये कंटेंट किस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट है जो कि टोटली AI कंटेंट के ऊपर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट के ऊपर चल रहा है। 14 मिलियन व्यूज़, 8 मिलियन व्यूज़, 4 मिलियन व्यूज़, बाकी भी वीडियोस के ऊपर ठीक ठाक व्यूज़ आए हैं। अब इन दोनों कंटेंट्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि AI कंटेंट आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है, इस पर आपको किसी किस्म की स्ट्राइक नहीं आती, ये कंटेंट आपका लॉन्ग टर्म चल रहा है। दूसरे नंबर पर ये सारे का सारा कंटेंट आपका USA के अंदर या UK के अंदर ही वायरल जाता है, जिस पर आपको $1+ RPM ही आता है। इसका मतलब ये है कि अगर $1 RPM आता है तो आपको अच्छी खासी उस पर होती है, ठीक है। जबकि कॉपीराइट कंटेंट इस तरह से है कि उसने लॉन्ग टर्म नहीं चलना, शॉर्ट टर्म चलना है। शॉर्ट टर्म आपको जो भी अर्निंग दी आपने वाली, उसके बाद आपका वो अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और तीसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे आते हैं AI कंटेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ये जो इसकी फर्स्ट वीडियो 14 मिलियन व्यूज़ पे गई है, इसकी अगर मैं आपको एनालिटिक्स दिखाऊं तो 14 मिलियन व्यूज़ पे इस एक वीडियो ने मुझे 3,28,000 फॉलोअर्स दिए हैं, ठीक है। यही मैं अगर ये कॉपीराइट कंटेंट को ओपन करूं, जिसकी ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल गई है 54 मिलियन व्यूज़ पे, इसकी अगर मैं एनालिटिक्स पे क्लिक करके एनालिटिक्स आपको दिखाऊं, तो ये एक वीडियो 54 मिलियन व्यूज़ पे गई है और इस वीडियो ने मुझे 1,60,000 फॉलोअर्स दिए हैं, ठीक है। जबकि दूसरी जो वीडियो वो सिर्फ 14 मिलियन पे गई है और उससे डबल फॉलोअर्स मुझे मिले हैं, और ये वीडियो 54 मिलियन व्यूज़ पे गई है कॉपीराइट कंटेंट की, और इस वीडियो ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 फॉलोअर्स दिए, और ये डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद एक दूसरी वीडियो जो कि 8 मिलियन व्यूज़ पे गई थी, 8 मिलियन व्यूज़ पे इस वीडियो ने मुझे 2,00,000 फॉलोअर्स दिए हैं। तीसरी वीडियो 4 मिलियन व्यूज़ पे गई थी, इस वीडियो ने मुझे इसके ऊपर 80,000 फॉलोअर्स दिए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने किस तरह से करनी है, AI कंटेंट किस तरह से बनाना है, कॉपीराइट कंटेंट किस तरह से निकालना है, किस तरह से एडिट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी फर्स्ट क्लास है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। आज की क्लास में हम कॉपीराइट कंटेंट पर डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास आपकी AI कंटेंट के ऊपर होगी। मेक श्योर कि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो। फर्दर ये कि ये मेरा फेसबुक पेज है, आप यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूँ टिकटॉक के लिए, टिकटॉक के रेलिवेंट, अपनी प्रोफाइल पर भी, फेसबुक की प्रोफाइल पर भी। इसके अलावा मेरे आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे भी मैं टिकटॉक के रेलिवेंट सारी की सारी अपडेट शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। जो भी आपके मसले मसाइल होते हैं मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे और यूट्यूब चैनल दोनों पे शेयर करता हूँ, ठीक है। क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास आपकी कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर है, आपने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे कि हमें
टॉपिक कौन कौन से चाहिए जो कि हमारे वायरल जा सके टिकटॉक पे, जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वायरल टॉपिक चल रहे हैं वो ये वाले हैं सारे के सारे। आप इन्हीं पे काम करोगे, ये काफ़ी वायरल चल रहे हैं अभी के टाइम पे, ये वायरल टॉपिक्स हैं टिकटॉक के ऊपर। इन्हीं का कंटेंट हम निकालेंगे, किस तरह से हमने हंटिंग करनी है, कंटेंट किस तरह से निकालना है, अब हम उस पर बात करते हैं। नीशेस का तो हमें पता चल गया, या कंटेंट का तो हमें पता चल गया कि हाँ इन नीशेस के ऊपर काम करना है। वन बाय वन मैं सारी निकाल के दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से कंटेंट्स निकालना है। बाकी आपके पास जो सोर्सिंग आपने कहाँ से करनी है या ये कंटेंट निकालना कहाँ से, ये आपके पास प्लेटफॉर्म्स होंगे, इनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले नंबर पे आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब से आप कंटेंट लेते हो। दूसरे नंबर पे दुइन चाइनीज़ एप्लीकेशन है, ये चाइनीज़ टिकटॉक है, यहाँ से आप कंटेंट लोगे। फर्दर ये दो और एप्लीकेशन जो कि चाइनीज़ एप्लीकेशन है, यहाँ से भी आप कंटेंट लोगे, ठीक है, टिकटॉक के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स पे। सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है, जो सबसे पहला हमारा कंटेंट है वो है फ़नी कंटेंट। आपने किस तरह से फ़नी कंटेंट निकालना है, किस तरह से उसकी एडिटिंग करनी, पहले हम इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं कि अगर हम फ़नी कंटेंट पे काम करते हैं तो क्या वो टिकटॉक पे वायरल होगा। मैं यहाँ पर ये फ़नी एनिमल्स का जो कंटेंट है वो लिख के मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरे पास वीडियोज़ आ गई, 34 मिलियन व्यूज़, 2 मिलियन व्यूज़, 22 मिलियन व्यूज़, 51 मिलियन व्यूज़, 76 मिलियन व्यूज़, 94 मिलियन व्यूज़, मतलब कि ठीक ठाक आपको इस कंटेंट पे या इस टाइप के कंटेंट पे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। अगर आप इस पे काम करते हो तो इसका मतलब है कि हमें उस पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब बारी आगे कि हमने ये कंटेंट निकालना किस तरह से। आप इसी कीवर्ड को कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप चले जाओगे गूगल पे। गूगल पे आपने सर्च करना है इंग्लिश टू चाइनीज़, आपने ये कीवर्ड पेस्ट कर देना। कीवर्ड पेस्ट करने के बाद आपके पास ये चाइनीज़ के अंदर फनी एनिमल्स का ये कीवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा। इसको आपने कॉपी करना। कॉपी करने के बाद ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है जो कि मैंने आपको बताया था। अब ये जो चाइनीज़ टिकटॉक है ये चाइना और जापान के लोगों के लिए, दूसरी जो हमारे प्ले स्टोर वाले टिकटॉक है वो अदर एशियंस और जो प्रीमियम कंट्रीज़ के लोग हैं उनके लिए, ठीक है। इनकी सेपरेट टिकटॉक है और हमारी सेपरेट टिकटॉक है। ये 2016 के अंदर इन्होंने ये चेंजेस किए थे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो हम ये इस प्लेटफॉर्म से या इस टिकटॉक से कंटेंट लेके अपनी दूसरी टिकटॉक पे जो कि ऑफिशियल है उस पे अपलोड करेंगे, हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन हमने उस पे एडिटिंग मस्ट करनी है। अब मैंने जो कीवर्ड कॉपी किया था चाइनीज़ के अंदर उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको मैं सर्च कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास अब एनिमल्स के रेलिवेंट फनी एनिमल्स की वीडियोज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये एक वीडियो आ गई, फिर इसके बाद ये एक वीडियो आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे सोन मेरे पास वीडियोज़ आती जाएंगी, ये 1.1 मिलियन व्यूज़ पे गई इसी प्लेटफॉर्म पे। इसका मतलब है कि ये वीडियो वायरल जाने की पोटेंशियल रखती है। अगर मैं इसको उठा के अपनी दूसरी टिकटॉक पे लगाता हूँ, मोनोटाइज अकाउंट पे लगाता हूँ, तो मुझे इस पे अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद इस पे मल्टीपल आपके पास ये वीडियोस आ जाएंगी। इस तरह से आपने हंटिंग करनी। आप एक तो यहाँ से कंटेंट निकालो एज इट इज़, इसी कीवर्ड को आप फिर कॉपी करो। कॉपी करने के बाद एक और ये एप्लीकेशन है बिली बिली के नाम से, ये इनकी समझ लो यूट्यूब है, जैसे हमारी यूट्यूब है वैसे इनकी ये यूट्यूब है। मैंने ये कीवर्ड पेस्ट किया, मेरे पास फनी एनिमल्स के रेलिवेंट वीडियोस आ जाएंगी। अब जो ये बिली बिली एप्लीकेशन है यहाँ से आपको लॉन्ग वीडियोस मिलेंगी, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मिलेंगी, यूट्यूब की तरह की वीडियोस मिलेंगी, जबकि ये दुइन जो है यहाँ पे आपको टिकटॉक की तरह की वीडियोस मिलेंगी। हमने दोनों प्लेटफॉर्म से ही वीडियोस लेनी, ठीक है। ये आपके पास वीडियोस आ गई, 3 मिनट की वीडियो ये, 7 मिनट की वीडियो, मतलब ये हमारे काम की नहीं है, 7 घंटे की ये वीडियो, ठीक है, 4 मिनट की ये, 16 मिनट की ये। हमारे पास इस तरह से ये चाइना का कंटेंट आ गया, इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन मकसद इन वेबसाइट से कंटेंट लेने का ये कि हमने अपने आप को या अपने अकाउंट को कॉपीराइट से बचाना है। अब ये कॉपीराइट से किस तरह से बचेगा, ये कॉपीराइट आता क्यों है आपको, जब एक वीडियो जो आप अपलोड कर रहे हो आपसे पहले किसी ने वो अपलोड की होगी तो आपको उसके ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर फॉरी फीड आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि टिकटॉक के मुताबिक जिस पहले बंदे ने वो वीडियो अपलोड की है वो ऑलरेडी उस वीडियो को ऑन करता है, टिकटॉक ने उस वीडियो को डीकोड करके उसको ओनरशिप दी हुई है। आप अगर उसकी वीडियो को कॉपी करके लगाओगे तो आपको उसके ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर फॉरी फीड या इस तरह का मसला मसाइल आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आप कंटेंट ही ऐसा निकालोगे जो कि टिकटॉक पे हो ही ना। ये सारी की सारी आपने रिसर्च इस तरह से करनी है, लेस सैचुरेटेड कंटेंट निकालना है जिसका कॉम्पिटिशन टिकटॉक पे हो ही ना। आप उसको आगे लगाओ, वो अच्छा खासा वायरल भी होगा, अच्छे खासे आपको उसके ऊपर व्यूज़ भी आएंगे और अच्छे डॉलर्स भी बनेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने रिसर्च करनी है, ये कंटेंट आप निकाल लो इस तरह से चाइनीज़ एप्लीकेशन दुइन से या इनके जो एप्लीकेशन बिली बिली है। फिर इसके बाद एक थर्ड एप्लीकेशन है, ये भी एज इट इज़ यूट्यूब की तरह ही है, उनकी यूट्यूब की तरह ही है, ठीक है। अब इसका नाम अजीब सा है, आपने बस ये करना है कि कीवर्ड आपने जो कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट किया, आपके पास यहाँ पे इस तरह से वीडियोस आ जाएंगी। इन वीडियोस का आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद हम इन वीडियोस को आगे एडिट करेंगे, ठीक है। एडिटिंग वाला फेज़ हम करते हैं, पहले हम रिसर्च के बारे में जान लें कि हमने टोटली रिसर्च किस तरह से करनी है। पहला कंटेंट आपका ये होगा जो कि काफ़ी वायरल चलता है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि अच्छी पोटेंशियल है, इस पर आप अगर काम करते हो तो आपको उस पर अच्छा रिजल्ट आ सकता है। फिर आपके पास दूसरा कंटेंट है,
कॉप्स का कंटेंट, पुलिस का कंटेंट, यूएस पुलिस का कंटेंट। अब ये जो कंटेंट है वो भी अच्छी पोटेंशियल रखता है। इस कंटेंट को आपने कहाँ से लेना है, ये कंटेंट आपका सारे के सारा यूट्यूब से निकलेगा। क्योंकि ये जो कंटेंट है हमने इस पे यूएसए की ऑर्डिनेंस लेके आनी है या हमें चाहिए यूएसए का कंटेंट, तो इस वजह से हम ये कोप यूट्यूब पे सर्च करेंगे। अगर मैं दुयन पे करूँगा तो वो उनकी खुद का कंटेंट आ जाएगा, चाइना का कंटेंट आ जाएगा, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये कोप्स का या पुलिस का कंटेंट यूएसए का चाहिए। ठीक है, मैंने ये लिख के सर्च किया, एक चैनल मेरे पास आ गया 1.3 के इनकी वीडियोज है, मतलब 1300 वीडियोज उन्होंने अपलोड की सारी कॉप्स के रेलिवेंट है। अब आपने एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि पहले नंबर पे ये बंदा टिकटॉक पे ना हो, आपने इस तरह से ये चेक करना है कि ये बंदा जो है वो टिकटॉक पे ना हो। अब यहाँ पे मैं इनके अदर लिंक्स पे जाता हूँ, कोई टिकटॉक का इनका अकाउंट नहीं है, मतलब ये कि मुझे एक चीज़ की सिक्योरिटी होगी कि ये बंदा टिकटॉक पर नहीं है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने कभी भी इनकी वो वीडियोज़ नहीं उठानी जो कि काफ़ी वायरल गई हों। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इनकी पॉपुलर वीडियोज़ पर जाता हूँ, 18 मिलियन पे गई हुई है ये, 8 मिलियन पे गई हुई है ये, मैं अगर इनकी ये वीडियोस उठाकर लगाऊंगा तो मुझे इसके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। क्यों कॉपीराइट आ जाएगा, जैसे मैं इनकी वीडियोस उठा रहा हूँ इसी तरह से मेरी तरह के क्रिएटर और भी हैं जिन्होंने इन वीडियोस को देखा होगा, उन्होंने कॉपी करके अदर प्लेटफॉर्म्स पर लगाया होगा, इस वजह से मुझे नॉट एलिजिबल फॉर फॉरी फीड या कॉपीराइट के मसले में शायद आ जाएंगे। मैंने करना ये है कि जो इनकी रीसेंट वीडियोज़ आई होंगी, ये 23 घंटे पहले इनकी वीडियो आई है, मैं इसको डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड करने के बाद इसमें से क्लिप्स निकालूंगा ताकि मुझे लेस चांसेस हों कॉपीराइट के। क्योंकि जितना जल्दी एक क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है आप उतना जल्दी उस कंटेंट को पकड़ो, उसी टाइम डाउनलोड करो, एडिट करके अपलोड करो, आपको कॉपीराइट के मसले में शायद नहीं आएंगे। आपके बाद अगर कोई बंदा करेगा तो उसको कॉपीराइट आएगा। तो इस तरह से आपने ये रिसर्च करनी है, ये आपका पहला पॉइंट होगा रिसर्च का। इस तरह से आपके पास सेकंड टॉपिक है, एक ये चैनल आ गया, आप इस तरह से मल्टीपल चैनल्स को निकाल लो जो कि पुलिस का कंटेंट अपलोड कर रहे हो। ठीक है, उन कंटेंट्स को पकड़ो, आगे एडिट करो, फिर आगे टिकटॉक पे अपलोड कर दो। ठीक है, ये आपके पास दूसरी नीश है। फिर इसके बाद आपके पास तीसरी नीश आ जाती है, चाइनीज़ फूड की नीश। ठीक है, अब ये चाइनीज़ फूड की नीश जो है, ये जो चाइनीज़ कंटेंट है ये आपको मिलना सारे का सारा दुयन से या बिली बिली या जो तीसरी हमारे पास ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है वहाँ से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हम गूगल पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने चाइनीज़ हमने हटा देना है क्योंकि वो ऑलरेडी एप्लीकेशन चाइना की है, तो हमें चाइनीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं। फूड लिखेंगे तो सारे के सारे चाइनीज़ फूड ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है साथ चाइना लिखने की। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड पेस्ट किया फूड का, इसको मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वीडियोज़ आ जाएंगी जो कि चाइनीज़ फूड की होंगी सारी की सारी। ठीक है, एक ये वीडियो आ गई। ठीक है, नीचे ये क्रिएटर आ गया, हमने यहाँ पे अब क्रिएटर पकड़ने हैं। अब ये एक क्रिएटर है, ये एक पर्सन है जिसका ये यूट्यूब वहाँ पे उनकी टिकटॉक पे अकाउंट है, दुयन का अकाउंट है, उस पर वो डेली बेसिस पे अपना खुद का कंटेंट चाइना का अपलोड कर रहा है। इस वजह से मैं उसको पकड़ूंगा, एक क्रिएटर की वीडियो ही अपने यहाँ पे टिकटॉक पे लगाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपने काम करना है। ठीक है, ये आप काम करोगे, फिर इसके बाद हमने इस कंटेंट की एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के बाद हम इसे आगे अपलोड करेंगे, एडिटिंग वाला फेज भी करते हैं। पहले हम रिसर्च कर लें कि हमने रिसर्च किस तरह से करनी। एक आपने यहाँ से कर लिया, फिर इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे बिली बिली जो इनकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपने फूड का कीवर्ड पेस्ट किया, आपके पास यहाँ पे फूड की वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से आप देखोगे कि आपका जो कंटेंट है फूड के रेलिवेंट कौन सा, ASMR टाइप ये कंटेंट भी अच्छा कंटेंट है, ये भी अच्छा कंटेंट है फूड का, ये भी फूड का कंटेंट है। मतलब कि आप यहाँ से इस तरह कंटेंट निकालोगे। फिर इसके बाद आपकी जो थर्ड एप्लीकेशन है, ये जो थर्ड वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप एज इट इज़ कीवर्ड पेस्ट कर दोगे, आपके पास ये कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सारा कंटेंट इस तरह से निकाल लेना। अच्छा, अब ये जो क्रिएटर हमने निकाला था 1.4 मिलियन इसकी खुद की ऑडियंस है चाइना के टिकटॉक के ऊपर, मतलब अच्छा कंटेंट वायरल जाने वाला इसका कंटेंट है। 3 मिनट की ये वीडियो है। ठीक है, 3 मिनट की ये वीडियो है, 2 मिनट की ये वीडियो, मतलब ये सारी की सारी इसकी वो वीडियोज़ है जो कि हमारी टिकटॉक पे हमें मोनेटाइज होंगी। ठीक है, मतलब एक सारे का सारा वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड कर रहा है, सारा का सारा कंटेंट ये मोनेटाइजेबल होगा। अगर इसकी वीडियोस होती 20 सेकंड की 30 सेकंड की तो वो टिकटॉक पे हमारी मोनेटाइज नहीं थी होने, क्योंकि टिकटॉक ने क्राइटेरिया रखा हुआ कि आपको 1 मिनट प्लस की वीडियोस अपलोड करना पड़ेंगी मोनेटाइज अपनी वीडियोज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने काम इस तरह से करना। इस तरह से आप क्रिएटर या तो यहाँ से निकाल लो, फिर आपके पास जो ये मैंने एप्लीकेशंस बताई हैं, अदर वेबसाइट्स बताई हैं, वहाँ से निकाल लो, ये भी अच्छा खासा कंटेंट है। अब हमारे पास दो तरह के कंटेंट्स हमने निकालने हैं। एक कंटेंट होगा हमारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ठीक है, जो कि सारी की सारी लॉन्ग वीडियोज़ होगी। अब ये लॉन्ग वीडियो है, ये भी लॉन्ग वीडियो 11 मिनट की, जो हम इस टिकटॉक से लेंगे वो हमारे पास थोड़ी शॉर्ट वीडियोज़ होंगे और टिकटॉक के फ्रेम वाली होंगी। ठीक है, ये हमारे पास दो फ्रेम है और दोनों की एडिटिंग डिफरेंट है, वो किस तरह से करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ से आप कंटेंट इस तरह से निकाल लोगे, अपनी
अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्रिएटर्स क्रिएटर्स को पकड़ना, जैसे ये क्रिएटर ये भी अच्छा क्रिएटर है, सारी की सारी फूड की वीडियोस अपलोड कर रहा है, ये भी अच्छा क्रिएटर है, ये भी सारी फूड की वीडियोस को अपलोड कर रहा है, एक क्रिएटर को हम एक ही टिकटॉक के अकाउंट पे लगाएंगे, ना कि इसकी वीडियो भी ये भी उठा के एक ही अकाउंट पे लगा दो, ये भी एक ही अकाउंट पे लगा दो, तो इस तरह से भी नहीं हमने करना, ठीक है। इस तरह से हमने रिसर्च करके क्रिएटर्स निकालने। फिर हमारे पास नेक्स्ट नीश आ जाती है एनिमल केयर्स की नीश, केयर की नीश। अब ये जो एनिमल केयर की नीश है ये हम YouTube से निकालेंगे, YouTube पे हमारे पास इसका अच्छा कंटेंट आ जाएगा। मैं यहाँ पे एनिमल केयर लिख के सर्च करता हूँ, मेरे पास ये एनिमल केयर्स की वीडियोस आ गई, ठीक है। ये एक चैनल है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ मेरे पास इनकी वीडियोस आ जाएंगी जो कि सारी की सारी एनिमल्स के रेलिवेंट है। 700 इनकी वीडियोज है, 2 मिलियन इनकी ऑडियंस, मतलब कि ठीक ठाक वायरल ये अकाउंट है, और ये टिकटॉक पे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनका कोई अदर लिंक नहीं है, ठीक है। ये 2019 में है, मतलब कि वायरल कंटेंट क्रिएटर है, ये वायरल चैनल है, इसके कंटेंट को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। सारी वीडियोस भी लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की एडिटिंग हमारी डिफरेंट होगी, दूसरी की एडिटिंग डिफरेंट होगी। शॉर्ट फॉर्म जो कि आप यहाँ से यूट्यूब की शॉर्ट्स में आकर निकाल दो, उन दोनों की एडिटिंग डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह से आप या तो एक ये चैनल निकालो, फिर इस तरह से मल्टीपल चैनल देखो जो कि इस तरह की वीडियोस को अपलोड करते हो, आपने वो निकाल लिया, आगे उनकी वीडियोस को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम एडिट करेंगे, ठीक है। ये कंटेंट आपका यूट्यूब से निकलेगा। फिर आपके पास बॉक्सिंग का कंटेंट आ जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक अकाउंट दिखाया हुआ जो कि बॉक्सिंग के ऊपर था, आपको उसकी वीडियोस के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ था कि दिस एक्टिविटी परफॉर्म बाय प्रोफेशनल, डू नॉट ट्राई इट एट होम, इस तरह का कुछ लिखा हुआ रहा था। आपको इस कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली ओन बाय एनी ब्रॉडकास्ट होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे PTV या जियो न्यूज़ है, इसी तरह से बॉक्सिंग भी किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आउट ऑन किया होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम अगर इस कंटेंट को लगाएंगे तो हमें कॉपीराइट के चांसेस भी होंगे, 20% तक हमें इसके ऊपर चांस होता है कि कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। बाकी जिन्होंने करना है वो कर सकते हैं, एडिटिंग में बता दूंगा किस तरह से करनी। फिर हमारे पास मैजिक का कंटेंट आ जाता है, ये मैजिक का कंटेंट भी आप सारे प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हो, आप यूट्यूब से निकाल लो, आप दुयन से निकाल लो, अदर जो टिकटॉक चाइना की एप्लीकेशन है वहाँ से निकाल लो। मैंने ये मैजिक लिख के सर्च किया, मेरे पास यहाँ पे क्रिएटर्स आ गए। फॉर एग्जांपल ये क्रिएटर है हाफू गो के नाम से, अगर मैं इसके चैनल को ओपन करता हूँ, इसकी वीडियोज़ पे जाता हूँ, पहले मैं ये चेक करूँ कि क्या ये टिकटॉक पे है, यहाँ पे कोई इसका टिकटॉक का अकाउंट नहीं है, मतलब ये कि ये सेफ कंटेंट है, इसमें मैं काम कर सकता हूँ। फिर इसकी वीडियोस को देखूंगा कि ये मंथ में कितनी वीडियोस अपलोड कर रहा है, या वीक में कितनी वीडियोस अपलोड कर रहा है। 8 दिन पहले इसकी ये वीडियो आई है, 3 हफ्ते पहले ये वीडियो आई है, 1 मंथ पहले ये वीडियो है, मतलब ये कि ये बंदा मंथ में 1 या 2 वीडियोस को अपलोड कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये इतना एक्टिव क्रिएटर नहीं है। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि इस क्रिएटर को हम टिकटॉक पे लगा सकते हैं, हमें कॉपीराइट के इतने चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्रिएटर हमें कभी भी ऑफिशियली कॉपीराइट नहीं देगा, अगर आया तो हमें आएगा हमारी तरह के जो क्रिएटर एक दूसरे का कंटेंट कॉपी कर रहे होंगे फिर आएगा। अब ये अगर मैंने एक क्रिएटर बता दिया तो सारे इसी के पीछे ना लग जाइएगा, खुद के थ्रू रिसर्च करके मल्टीपल क्रिएटर्स निकालिएगा, डीप रिसर्च करेगा, ऐसा कंटेंट निकाले जो कि मतलब किसी की सोच भी ना हो कि ये कंटेंट क्रिएटर भी होगा, ठीक है। उस तरह के कंटेंट को पकड़े, रिसर्च कर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने करना किस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट नीश आ जाती है नेचर वीडियोस। अगर मैं ये कीवर्ड कॉपी करता हूँ नेचर वीडियोस की, टिकटॉक पे जाके मैं इसे पेस्ट करता हूँ ये चेक करने के लिए कि क्या इस कंटेंट के ऊपर मुझे अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। मैं यहाँ पे नेचर वीडियोस लिख के सर्च किया, 3 मिलियन व्यूज़ आए, फिर इसके बाद 2 मिलियन व्यूज़, 28 मिलियन व्यूज़, 29 मिलियन, 4 मिलियन, 60 मिलियन, ठीक है, 12 मिलियन, मतलब ये कि ठीक ठाक ये भी वायरल जाने वाला कंटेंट है। इसकी वीडियोस भी आप या तो चाइना की टिकटॉक से निकाल लो, एज इट इज़ आपने गूगल पे आना, गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे नेचर वीडियोस लिख के सर्च करना, इसको आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, और इसको पेस्ट करोगे, आपके पास नेचर की वीडियोस आ जाएंगे, और एज इट इज़ आपने ये कंटेंट निकाल लेना है यूट्यूब से भी। ये कंटेंट आपको यूट्यूब से भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह के कंटेंट के ऊपर कंपटीशन कम है, वो कंटेंट जिस पे कंपटीशन कम हो उसको अगर हम लगाते हैं तो हमें कॉपीराइट के चांसेस कम होंगे। तो ये आपने काम कर लेना, आप यूट्यूब पे आ जाओ, नेचर वीडियोस लिख के सर्च करो, आपके पास लॉन्ग वीडियोस आ जाएंगी, 3 घंटे की ये वीडियो, इसमें से आप जितने मर्जी क्लिप निकाल के लगाओ, कोई कॉपीराइट नहीं आपको आएगा, ठीक है, वो आपका बिल्कुल चलेगा। ये 12 घंटे की वीडियो, इतनी लंबी वीडियोस भी नहीं आपने डाउनलोड करनी है कि वो मतलब डाउनलोड होने में, उसको एडिट होने में इतना टाइम लग जाए तो उसमें मतलब काम करने का फ़ायदा नहीं है। मैक्सिमम 2 से 3 घंटे की देख लो, मिनिमम आप आधे घंटे की वीडियोस निकाल लो। इस तरह से आपने इन वीडियोस को निकाल लेना, आगे डाउनलोड कर लेना, फिर आगे हम इसकी एडिटिंग भी करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हेयर स्टाइलिस्ट का कंटेंट आ गया, ये सारा कंटेंट हमने YouTube से ले लेना है, या चाइना की एप्लीकेशन से ले लो, या आप उनकी जो टिकटॉक है चाइना की वहाँ से ले लो, मसला नहीं है। ये कंटेंट भी वायरल जाने वाला कंटेंट है, इस पे आपकी सारी की सारी फीमेल ऑडियंस बनेगी, और फीमेल ऑडियंस इस तरह की होती है कि वो बिल्कुल इंगेजिंग ऑडियंस होती है। फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, 5 माह पहले ये वीडियो अपलोड हुई है, 102 मिलियन व्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि जो हेयर स्टाइलिंग का कंटेंट है, फीमेल्स की ऑडियंस उस कंटेंट के ऊपर बड़ी ही अच्छी आती है और बड़ी ही ज़्यादा आती है, ठीक है।
अगर आप इस कंटेंट पे काम करो तो कभी भी आपके अकाउंट की रीच कम नहीं होगी, इस तरह का कंटेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, हमने लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर ही पकड़ना है, ये 9 मिनट की वीडियो है, शॉर्ट वीडियोस की तरफ नहीं हमने जाना अभी, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस में मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हम लॉन्ग वीडियोज़ को पकड़ेंगे आगे, उनमें से क्लिपिंग करेंगे, ठीक है। अब ये क्रिएटर है, सारी की सारी इसकी वीडियो इसी तरह की है, 304 इसकी वीडियोज़ हैं, ठीक है, सारी डिसेंट वीडियोज़ ASMR टाइप बनी हुई हैं सारी की सारी, हेयर स्टाइलिंग के ऊपर। इस कंटेंट को पकड़ के हम आगे टिकटॉक पे लगा सकते हैं एडिटिंग करने के बाद, ठीक है। इस तरह से आपने मल्टीपल क्रिएटर्स निकाल लेने, जैसे मैंने यहाँ पे YouTube पे सर्च किया, वैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे चाइनीज़ टिकटॉक के ऊपर, वहाँ पे रिसर्च करोगे। आपने पहले इसको चेंज कर लेना गूगल पे जाके उनकी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, फिर इसके बाद आप वो कंटेंट निकालोगे। फिर आ गया बाइक राइडिंग का कंटेंट, ये भी ठीक ठाक वायरल जाता है, लेकिन इसमें भी आपको कॉपीराइट के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव कंटेंट के अंदर आ जाता है। अगर बाइक का एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो टिकटॉक इस तरह के कंटेंट को अलाउ नहीं करता, जिसमें एक्सीडेंट हो रहा हो, ब्लड निकल रहा हो, गन्स चल रही हो, इस तरह के कंटेंट को टिकटॉक अलाउ नहीं करता, तो इस वजह से आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा कॉपीराइट का चांस रहता है, लेकिन ये भी वायरल नीश है, काफ़ी वायरल जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास अगली नीश है हॉर्स शू मेकिंग की नीश, ये भी वायरल जाने वाली नीश है, कंटेंट बड़ा ही डिसेंट कंटेंट होता है, वायरल जाने वाला कंटेंट होता है, कोई इसके अंदर जुबान नहीं है जो कि मतलब कहो कि हमें कॉपीराइट आ जाएगा, और कोई ऐसा नहीं कि सामने वाला बंदा अपना फेस दिखा रहा हो, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये हॉर्स शू मेकिंग का कंटेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस चैनल को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मेरे पास ये इसकी वीडियोस आ गई हैं, ठीक है, 70 इसकी वीडियोस हैं, ठीक है, और ये इसकी फॉलोइंग मतलब कम ही है, लेकिन ये है कि ये कंटेंट इसका अच्छा कंटेंट है, अगर मैं इस पर काम करूँ तो मेरा ये वायरल होगा। सारी की सारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं, ठीक है, इसको मैं आगे यूज़ टू कर सकता हूँ इनमें से क्लिप्स निकाल के, ठीक है। तो ये आपका अच्छा कंटेंट है, इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्लिपिंग आपने करनी, क्लिपिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, अभी एडिटिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे पास कैट्स एंड डॉग्स की फैशन नीश, जैसे मैंने आपको ये एनिमल्स की बताई, फनी एनिमल्स की, एज इट इज़ आप ये अगर डॉग फैशन को कॉपी करोगे, आप आ जाओगे गूगल पे, गूगल पे आने के बाद आपने क्या करना है उसको ट्रांसलेट कर लो चाइनीज़ के अंदर, चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने के बाद चाइना की वेबसाइट से निकाल लो ये कंटेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आप उस कंटेंट को एज इट इज़, जैसे डॉग फैशन मैंने यहाँ पे सर्च किया, आप यूट्यूब पे आ जाओ, आप यहाँ से निकालो, आप देखोगे कि कहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, कहाँ से आपको अच्छा कंटेंट क्रिएटर मिलता है। ये रिसर्च आपने जब करनी है, रिसर्च इतनी डीप करनी है कि कंटेंट आपका ऐसा हो कि सामने वाले बंदे को मतलब किसी को पता ही ना हो कि ये कंटेंट कहाँ से लिया और कहाँ का कंटेंट है, ठीक है। उस तरह का कंटेंट समझ लो कि अब अगर आप निकाल लेते हो तो टिकटॉक से आप अच्छे पैसे बना लोगे कॉपीराइट कंटेंट से, ठीक है। ये बिल्कुल चीज़ इस तरह से हो रही है, इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। या फिर आप अगर कहो कि मैं ये डॉग फैशन लिख के सर्च करूँ, मेरे पास ऊपर ही जो क्रिएटर आ गए मैं उन्हीं की वीडियोज़ को पकड़ के लगा लूँ, तो क्या होगा कि जैसे आप रिसर्च करके क्रिएटर्स को निकाल लो, आपके पास अगर वो आया तो आपकी तरह 10 बंदों के और पास और आया तो वो भी उसको उसी को लेकर चलेगा, फिर ये कॉपीराइट के मसले मसाइल आपको बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो डीप आपने रिसर्च करनी है, देखो कि कंटेंट कौन सा अच्छा है, उसको पकड़ो, आगे एडिट करो, आगे अपलोडिंग करो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ तो हमने कवर कर ली कि निशेज कौन कौन सी है जिन पे हमने काम करना है, ये निशेज है जिन पे हमने काम करना फिलहाल के लिए, और ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिनसे आपने कंटेंट निकालना है, ठीक है। चाइना की टिकटॉक से निकालो, चाइना की यूट्यूब से निकालो, वहाँ से आपको बड़ा ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, और इस तरह का कंटेंट मिलेगा कि वो अदर प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी नहीं लगा होगा, वो आप ही पहले बंदे होंगे जो उस तरह के कंटेंट को लगा रहे होंगे, ठीक है। चाइनीज़ में यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, दुयन पे हो सकता है कि आपको कॉपीराइट थोड़ा सा आ जाए, ठीक है, लेकिन उसकी एडिटिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी लेस चांसेज होंगे कॉपीराइट ना होने के बराबर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग आपकी सारी की सारी होगी कैपकट के अंदर, आपकी जो भी वीडियो होगी आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपकी ये वीडियो है, आपने ये वीडियो डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने के बाद आप इसको कैपकट में लेके आओगे, ठीक है। मैं ये मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है, मैं इसी को लेके आऊँगा। ये एक वीडियो है जिसमें ये बंदा डीप सी अंडर द वाटर जाता है और ये चीज़ें तलाश करता है, ठीक है, मतलब मिस्टीरियस टॉपिक के ऊपर कंटेंट है, सामने वाला बंदा भी उस पर इंटरेस्ट लेता है। मैं आप इस वीडियो को एडिट करके आपको एडिट करके दिखाता हूँ। बाकी आपकी जितनी भी वीडियोज़ होंगी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ जो कि हमने निकालनी है वो इसी तरह की उनकी एडिटिंग होगी। शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ रील की फॉर्म में जो एडिटिंग होनी वो डिफरेंट होगी, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले हम इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। पहला काम हमने ये करना है कि हम इस क्लिप में देखेंगे या जो वीडियो आपने डाउनलोड की हुई है उसमें आपने ये देखना है कि जिस बंदे की वीडियो मैंने डाउनलोड की हुई है उस वीडियो में वो बंदा दिखाना क्या चाह रहा है, वो क्या सामने वाले बंदे को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, आप उसी टॉपिक को या उसी वीडियो को निकालोगे। अब इस वीडियो के अंदर ये जो है वो आईफोन्स निकालता पानी से, ठीक है, इसको आईफोन्स मिलते हैं, तो ये इसी टॉपिक पे सारी वीडियो बनी हुई है। मैं अब देखूंगा कि मेरा जो क्लिप है, जो मेरे क्लिप में कोई इंटरेस्टिंग पार्ट है वो कहाँ पे शुरू होगा, ठीक है। अब ये इस तरह से वीडियो चल रही है,
ठीक है, यहाँ पे अब इस बंदे को ये फ़ोन मिला है और इट्स आईफोन। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मेरा स्टार्ट यहाँ से होगा, मैं अपने क्लिप का स्टार्ट यहाँ से लूँगा। ठीक है, जहाँ पे इसको ये इस तरह से आईफोन तलाश कर रहा होता है। ठीक है, क्यों मैंने यहाँ से क्लिप निकालना, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर मेरा अगर इस तरह का पार्ट होगा जिसमें सामने वाला बंदा इंगेज हो, या मतलब इस तरह का क्लिप जिसमें कोई ऐसी एक्टिविटी हो कि सामने वाला बंदा कहे कि ये क्या चीज़ फाइंड करने वाला पानी से, अगर वो चीज़ होगी तो वो समझ ले कि मेरी वीडियो वायरल जाएगी। क्यों वायरल जाएगी, क्योंकि हर बंदे में इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या एक्शन होगा। मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये अच्छा पता चल जाएगा इसके ऊपर कि ये किस तरह का कंटेंट और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो क्लिप का स्टार्ट है वो यहाँ से हो रहा है। मैंने यहाँ पे कट लगा के जो पहले वाला पार्ट है वो अपनी वीडियो में से रिमूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये पानी से बाहर निकल रहा था आईफोन लेके, मेरा जो दूसरा पार्ट होगा वो यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ तक अपने वीडियो का पार्ट निकालूंगा, बाकी जो वीडियो है मैं अपनी रिमूव कर दूंगा। अब ये मेरे पास क्लिप निकल के आया, इसकी अब मैंने एडिटिंग करके आपको दिखानी किस तरह से आपने एडिटिंग करनी है। अब यहाँ पे ये रिसर्च कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ओ व्हाट इज इट, ये क्या है। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि जो भी बंदा मेरी इस वीडियो पे आएगा, उस बंदे ने जब इस तरह की वर्डिंग सुनी, गोरे की बात कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है जो कि ये फाइंड करने लगा या कर रहा है, ठीक है, क्यूरियोसिटी हर बंदे के अंदर होती है कि क्या आगे क्या होने वाला। ठीक है, जब ये चीज़ मेरे कंटेंट के स्टार्ट में होगी, मेरे स्टार्ट के 5 सेकंड वो अगर वीडियो को देख लेता तो वो समझ लो कि मुझे एवरेज मिनट व्यू उस वीडियो के ऊपर अच्छा मिल गया, मुझे रिटेंशन रेट उस वीडियो के ऊपर अच्छा मिल गया, जिस वजह से मेरा आरपीएम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपने स्टार्टिंग में हुक लगानी, इसको हम हुक कहते हैं, कि आपने अपने कंटेंट के स्टार्ट में ऐसा पार्ट लगाया जिससे सामने वाला बंदा आपकी वीडियो के ऊपर स्टे करे। ठीक है, 5 सेकंड 10 सेकंड स्टे किया उसने, उसके बाद वो चाहे स्किप कर दे वीडियो को, मसला नहीं, आपको रिटेंशन रेट एवरेज मिनट व्यू जब उस पर अच्छा आ जाएगा, आपकी वो वीडियो वायरल जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरा ये क्लिप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये फिर यहाँ पे लास्ट होता है जहाँ पे ये फोन बाहर पानी से निकालता है, यहाँ तक मैं इस क्लिप को ले लेता हूँ, जहाँ पे ये आईफोन को इस तरह से या जो भी फ़ोन है उसको पकड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कट लगा के जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो वीडियो में से रिमूव कर दूंगा, लास्ट वाला। ठीक है, अब ये जो मेरी वीडियो बनी है वो 1 मिनट 25 सेकंड की बनी है, मतलब ये कि टिकटॉक का जो क्राइटेरिया वो मीट कर रही है ये वीडियो मोनेटाइज अकाउंट के ऊपर। हमने 1 मिनट 25 सेकंड की वीडियो मतलब ये अगर लगा है तो वो मोनेटाइज होगी। मिनिमम टिकटॉक ने बोला हुआ कि 1 मिनट की आपने अकाउंट पे वीडियो अपलोड करनी है, वही आपकी मोनेटाइज होगी। मैक्सिमम आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की कर सकते हो, इससे ज़्यादा ड्यूरेशन की आपने नहीं करनी। ठीक है, अब आपने अगला काम क्या करना है, इसका रेशो मैंने चेंज कर दिया 9:16 के अंदर। 9:16 का फ्रेम जो है वो टिकटॉक का फ्रेम होता है। अब ये जो फ्रेम है जो इस तरह से मतलब ये छोटी सी मेरी वीडियो आ रही है, ये यूट्यूब वाले फ्रेम के अंदर है। अब इस वीडियो को मैंने जूम आउट करना इस तरह से थोड़ा सा, इतना ज्यादा भी नहीं कि मेरी जो है जो भी बंदा उसके अंदर एक्टिविटी कर रहा हो वो कहीं आधा इधर को जा रहा हो आधा इधर को जा रहा हो, ये काम भी नहीं करना है। बिल्कुल आपने मिड में रखे, आपने उस क्लिप का थोड़ा सा सिर्फ जूम आउट कर देना, ताकि कि उसके पिक्सल डिस्टर्ब हो जाए। मेन मकसद है कि हमने उसके पिक्सल डिस्टर्ब करने हैं ताकि हमें कॉपीराइट ना आए इस कंटेंट के ऊपर। टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, टिकटॉक पे आपको पिक्सल बेस्ड सिस्टम के थ्रू आउट कॉपीराइट आता है, अदर प्लेटफॉर्म्स का और तरह का तरीका है कॉपीराइट देने का, टिकटॉक पे आपको पिक्सल बेस पे आता है। आपकी वीडियो के पिक्सल अगर किसी दूसरे की वीडियो के पिक्सल से मैच हुए आपको कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, और वो वीडियो अगर आपसे पहले किसी ने अपलोड की हुई तो फिर आपको आएगा, अगर आपने पहले वीडियो अपलोड की है तो आपके बाद जो भी वीडियो अपलोड करेगा बंदा उसी तरह की उस पर आप उसको कॉपीराइट आएगा। ठीक है, तो ये आपने काम किया, स्टार्टिंग हमारे क्लिप की बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल अच्छी है, जहाँ पे इसको फोन्स मिल रही है दूसरा फ़ोन इसको मिल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल इसकी इस तरह से है कि अगर मैं इसको लगाता हूँ तो सामने वाला यूज़र मेरी वीडियो के ऊपर इंगेज रहेगा, और इसकी एंडिंग भी मैंने बिल्कुल इस तरह की है कि इसने पानी से बाहर निकाला, क्लिप जहाँ पे ख़त्म होना चाहिए था वहाँ तक मैंने किया, ये मेरा क्लिप आ गया। फिर इसके बाद मैंने इसको जूम आउट किया, दूसरा काम मैंने इस पर ये कर दिया। ठीक है, क्लिप की एडजस्टमेंट समझ लें कि आपकी मेन चीज़ है कि आपने सामने वाले बंदे को वो चीज़ दिखाई जिसमें क्यूरियोसिटी हो, फिर ही आप वायरल जाओगे। ये चीज़ मूवीज़ बनाने वाले या वेब सीरीज़ वाले करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक आप उनका एपिसोड देखते हो, जैसे ही उनका ये एपिसोड ख़त्म होता है उसके लास्ट में वो आपको इस तरह का मतलब चीज़ करके देते हैं कि आप वेट करते हो कब इनका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो ये चीज़ हमने इसके अंदर करनी, क्यूरियोसिटी हमने कंटेंट के अंदर डालनी ताकि हमारे कंटेंट के ऊपर हमें अच्छे व्यूज़ आने के चांसेस हों। ठीक है, हमने इसका फ्रेम जूम आउट कर दिया, फिर आप चले जाओगे फिल्टर्स पे। ठीक है, फिल्टर्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे एक फिल्टर है वो इंप्लीमेंट करना है VIVD विविड के नाम से। ठीक है, आप इस फिल्टर को उठा के इस तरह से वीडियो में लगा दोगे। अब ये जो है इसने सैचुरेशन काफ़ी बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि इसने मेरी वीडियो के
ऊपर सेचुरेशन तेज़ कर दी और मेरे जो पिक्सल्स है वो भी डिस्टर्ब हो गए और मेरे कंटेंट की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, ये आपका दूसरा काम होगा जो कि आपने इसके ऊपर करना है, फ़िल्टर लगा देना। मैंने ये विविड का बोला, आप ये भी लगा सकते हो। फर्दर आपको लगता हो कि कोई और अच्छा फिल्टर है, आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद आपने अगला काम ये करना है, आप इसकी स्पीड पर जाओगे। स्पीड पर जाने के बाद आपने इसको 1.1 कर देना। ठीक है, 1 by 1 आपने इसकी स्पीड की। ठीक है, इसमें यह होगा कि थोड़ी सी स्पीड तेज़ होगी, बाकी सारी की सारी वीडियो हमारी एक्यूरेट रहेगी, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपने तीसरा काम किया। फिर इसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि आप इसके कैप्शंस पे आ जाओगे, आपने इसके ऊपर कैप्शन जनरेट करने। फॉर एग्जांपल, अगर इस वीडियो के अंदर भैया बंदा बोल रहा होता और इस तरह से ये कैप्शंस ना हो रहे, ठीक है, मैन अनदर फोन, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी कैप्शन आ रहे हैं तो मुझे ऐड करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर आपकी वीडियो के अंदर कन्वर्सेशन हो रही है, कैप्शंस नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये कैप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने जनरेट कैप्शंस पे क्लिक कर देना है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को एनालाइज करके जो भी उसके अंदर बंदा वर्डिंग बोल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो उस पर कैप्शंस आपको जनरेट करके दे देगा। ये आपकी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा, जैसे प्रोफेशनल बंदे अपनी वीडियोज़ को बनाते हैं एज इट इज़, ये आपकी वीडियो को कर देगा कैप्शन जैसे आप अपनी वीडियोज़ के अंदर ऐड करोगे तो। ठीक है, ये आपने इस पर अगला काम करना है, आप इस पर कैप्शन डाल दोगे। ठीक है, अब ये कैप्शंस आ गए, इसको मैं उठा के अपनी वीडियो के बिल्कुल यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर सिर्फ गैप हो, ये ना हो कि वो बिल्कुल इतने नीचे हो सामने वाले बंदे को नज़र भी ना आए और इतना ऊपर भी ना हो कि वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हो। आप ये ब्लैक बॉर्डर पे रखो इसको, ठीक है, ताकि ये एक अच्छी लुक प्रोवाइड करे। इस तरह से आपने ये काम किया। ठीक है, फिर इसके बाद आपने अगला काम ये करना है, आप आ जाओगे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आने के बाद इस टेक्स्ट को आपने उठाया, अपनी वीडियो पे रखा, फिर इसके बाद आपने इसको पूरी की पूरी वीडियो में एक्सपेंड कर देना। अब इस टेक्स्ट में हमने करना क्या, ठीक है, या तो आप ये बिल्कुल सिंपल डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट उठा सकते हो, या फिर आप एक ये काम कर सकते हो कि आप इस डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को हटाओ यहाँ से। ठीक है, आप आ जाओगे टेक्स्ट टेम्पलेट पे। टेक्स्ट टेम्पलेट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास इस तरह से टेक्स्ट की टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट टेम्पलेट है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ क्योंकि मैंने टाइटल देना है। मैं इसको उठा के अपनी वीडियो में रखूँगा और पूरी वीडियो के अंदर एक्सपेंड कर दूंगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब लिखना मैंने इसमें यह है कि जो भी वो इसके अंदर एक्टिविटी कर रहा है, अब वो पानी से फ़ोन निकाल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइंडिंग, ठीक है, फोन्स अंडर द वाटर। ठीक है, ये आपने काम किया इसके ऊपर, फाइंडिंग फोन अंडर द वाटर, ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया। इस तरह से ये आ गया और इसको मैं उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा इस तरह से। ये आपने इस लाइन को देखना है कि ये आपकी लाइन आपकी वीडियो की लाइन के साथ मैच करेगी, तो फिर ये होगा कि इस तरह से एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये लाइन भी आपने इस तरह से मैच कर लेनी ताकि ये थोड़ा सा गैप हो, ताकि प्रोफेशनली लगे कि ये वीडियो बनी हुई है। ठीक है, ये आपने इस पर काम किया। फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने छोटे छोटे कट्स लगा दें, हर 5 सेकंड के बाद आपने उस वीडियो के अंदर कट लगा देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं Ctrl+B प्रेस करूँगा और कट लगा दूंगा। अब ये कट्स लगाने का फ़ायदा क्या है, जब मैं इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे कट लगाऊंगा तो क्या होगा कि मेरी इस वीडियो के अंदर टाइम गैप आ जाएगा। अब इस टाइम गैप का वीडियो चलते हुए तो नज़र नहीं आएगा कि क्या चेंजेस हुए, कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब टिकटॉक इस वीडियो को अपने एल्गोरिदम में डिकोड कर रहा होगा तो एल्गोरिदम यह चीज़ डिटेक्ट करेगा कि इस वीडियो के अंदर इस तरह से गैप्स हैं, टाइम गैप्स हैं। इसमें क्या होगा कि आपको कॉपीराइट आने के मिनिमम चांसेस होंगे। टिकटॉक हर 5 सेकंड पे आपकी वीडियो को डिटेक्ट करता है कि क्या 5 सेकंड का क्लिप मैच हुआ, क्या 5 सेकंड का क्लिप मैच हुआ। अगर आप इस तरह से कट्स लगा दोगे उसके अंदर टाइम गैप आ जाएंगे, फिर आपको उस पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप दूसरा कट इस तरह से लगा दो। ठीक है, Ctrl+B अगर आप पीसी से करोगे तो Ctrl+B आपने प्रेस करना, मोबाइल से आपके पास वहाँ पे स्प्लिट का आ जाता है, आपने स्प्लिट पे क्लिक करके कर लेना। ठीक है, इस तरह से आप छोटे छोटे अपनी इस वीडियो के अंदर कट्स लगा दोगे ताकि इसके अंदर टाइम गैप आ जाए। यहाँ तक आपकी इस वीडियो की एडिटिंग हो गई है। अगर मैं इसको अब यहाँ पे प्ले करता हूँ, ये कुछ इस तरह की बनी है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इस बंदे को फ़ोन मिला है, सामने वाले बंदे ने इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना है, जो भी मेरी वीडियो के ऊपर आएगा वो इंटरेस्ट लेगा कि इस बंदे को पानी के अंदर से फ़ोन मिला। फर्दर इसको देखते हैं क्या क्या मिलेगा। ये आपने क्यूरियोसिटी डाल दी, कंटेंट आपका अच्छा बन गया, फिर आप इसको एक्सपोर्ट करो और आगे आप इसको टिकटॉक पे अपलोड कर दो। आपको किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा, किसी किस्म का नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने रील्स की अगर शॉर्ट वीडियोस के ऊपर काम करना, बाकी मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप रील्स की शॉर्ट वीडियोस पे काम करो। छोटी छोटी वीडियोस जैसे हम यूट्यूब पे आप देखते हो, शॉर्ट वीडियोस आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, आप यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस उठाओ और उन पे काम करो, मेरी तरफ से वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इन वीडियोस को उठा के काम करो। ठीक है, बाकी ये कि मैं एडिटिंग में समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से करनी है। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी शॉर्ट वीडियो होगी, तो बाकी ये कि इसमें आपको कॉपीराइट के चांसेस रहेंगे, अगर कहेंगे आपको कॉपीराइट नहीं आएगा तो वो बात गलत है, ठीक है। शॉर्ट वीडियोज़ के ऊपर आपको कॉपीराइट आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, ठीक है। अभी एक शॉर्ट वीडियो है, इसको मैं उठा के टाइमलाइन पे लेके आऊँगा। टाइमलाइन पे लाने के बाद इस पर पहला काम मैंने क्या करना, मैं जाऊँगा फिल्टर्स पे, फिल्टर्स पे जाने के बाद इस पर मैंने वो फ़िल्टर इंप्लीमेंट करना है। या तो आप विविड फिल्टर लगा दो, या आपको कोई और फिल्टर अच्छा लगता हो वो लगा दो, ठीक है। फिल्टर से ये है कि उसके जो पिक्सल्स हैं उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। या आपने पहला काम किया, फिर इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, इसके अंदर आपने इसकी स्पीड चेंज कर देनी है। 1.1 आपने इसकी स्पीड कर दी, ये करने के बाद आपने इस पर अगला काम क्या करना है, आप आ जाओगे कैप्शंस पे। अगर उसके अंदर वो बंदा कोई बात कर रहा है, आप ये कैप्शंस पे क्लिक करके जनरेट कैप्शन पे क्लिक करोगे और कैप्शंस उस वीडियो के अंदर दे दोगे, ठीक है। कैप्शन समझ लो कि वैल्यू ऐड कर देगा उस कंटेंट के अंदर, कि ये कंटेंट जो है आपने इसको रीमेक किया, या कोई भी इसके अंदर आपने वैल्यू ऐड किया जिसको टिकटॉक अलाउ करेगा। टिकटॉक ये कहता है कि आप कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर सकते हो, लेकिन आपने उस कंटेंट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। अगर वो वैल्यू टिकटॉक की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ना हो तो फिर समझ लो कि आपको कॉपीराइट आ जाएगा। अभी इस वीडियो के अंदर किसी किस्म की वो बात नहीं था कर रहा, इस वजह से कोई कैप्शन जनरेट नहीं हुए, तो मसला नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने अगला काम ये करना है, आप आ जाओगे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आने के बाद आपने सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इस तरह से इस टेक्स्ट को यहाँ पे आप रखोगे और इस वीडियो में पूरा का पूरा आपने इस तरह से एक्सपेंड कर देना, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में हमने लिखना क्या है, इस टेक्स्ट में आपने अपने अकाउंट का यूज़र नेम देना है। अब ये अकाउंट का यूज़र नेम देने का हमें फ़ायदा ये कि इस पे हमने ब्रांडिंग कर दी है कि ये जो कंटेंट है वो हम ऑन करते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा इसी वीडियो को मतलब टिकटॉक से उठा के हमारे प्लेटफॉर्म से उठा के लगाएगा तो समझ लो कि इसके अंदर ये लोगो आएगा जिसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि ये कंटेंट हम ऑन करते हैं, हमने इसके अंदर ब्रांडिंग की हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें भी एज इट इज़ हर 5 सेकेंड पे एक कट लगाओगे, ठीक है। कट लगाने के बाद आप इसमें अगला काम ये करोगे, आप इसमें ट्रांजेक्शन्स में चले जाओगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे FADE फेड, ठीक है। ब्लैक फेड के नाम से आपके पास ये ट्रांजेक्शन एक आ जाएगी, इसको आप उठा के अपनी वीडियोस के अंदर डालोगे इस तरह से, ठीक है। या आपने ट्रांजेक्शन डाल दी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कॉपीराइट के आपको लेस चांसेस होंगे, क्योंकि जब आप यहाँ से ऐसे क्लिप चलेगा तो ये एक ब्लैक ब्लिंक आएगा, फिर इसके बाद आपकी वीडियो का अगला पार्ट चलेगा। अब इस वीडियो के अंदर म्यूजिक है, तो म्यूजिकल वीडियोस को तो आपने बिल्कुल ही नहीं ना उठाना टिकटॉक से, यूट्यूब से, सॉरी। अगर आप म्यूजिकल वीडियोस को उठाओगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको कॉपीराइट आएगा। आपने ऐसा कंटेंट उठाना है, अगर रील्स का कंटेंट उठाना है तो उसके अंदर आपकी सिर्फ कन्वर्जेशन हो रही हो, कोई म्यूजिक ना हो, कोई कुछ ना हो। बाकी है कि मेरी तरफ से फिर भी ये रिकमेंडेड नहीं है, करना है काम तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को पकड़ के काम करो, उस पर आपको अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं और आपके कंटेंट पे कॉपीराइट भी नहीं आता, ठीक है। ये आपकी एडिटिंग है, इस तरह से आपने एडिटिंग इसकी कर देनी है, ठीक है। और फर्दर इसके अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें आप एक और ये काम कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। फ्रेम आप इसका यहाँ पर इस तरह से इतना कर दो, ठीक है। वीडियो को आप यहाँ पर ऐसा छोटा कर दो, और साथ आप यहाँ पे अपना पीछे फेस रिएक्शन दे दो या कोई भी ऐसी चीज़ लगा दो, ठीक है, जिससे ये कि आपकी ये जो वीडियो है उसके अंदर ऐसा हो कि आप उस पर रिएक्शन दे रहे हो, वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी। ये काम भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। बैक आपने पहले अपनी वीडियो बनानी है, ठीक है, क्रोमा की पे जाके आपने उसको कर लेना, वो बिल्कुल सिंपलिसिटी उसके अंदर, ठीक है। बाकी ये कि मैंने अभी शॉर्ट कंटेंट पे इतना काम नहीं किया हुआ, ना ही मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ को पकड़ के शॉर्ट फॉर्म में करो, फिर आपका चल जाएगा, ठीक है। ये आपकी एडिटिंग थी, यह आपकी कंटेंट रिसर्च थी कि आपने किस तरह से कंटेंट निकालना है, कॉपीराइट कंटेंट पे किस तरह से रिसर्च करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं, कैसे उसकी एडिटिंग करनी है, फिर उसके बाद आप उस कंटेंट को आगे इजीली टिकटॉक पे लगा सकते हो, ठीक है। इससे पहले फर्दर 2 क्लासेस भी हो चुकी हैं, इसी चैनल पर अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हैं। जिनको अकाउंट क्रिएशन का नहीं पता, जिनको टिकटॉक के बारे में नहीं पता कि टिकटॉक की मोनेटाइजेशन क्या चीज़ है, आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, आज आपकी कॉपीराइट कंटेंट की क्लास थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट आपकी क्लास होगी AI कंटेंट के ऊपर, कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किस तरह से कंटेंट बनाना है, वो सारे का सारा आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अच्छा, आज आपकी क्लास है AI कंटेंट के ऊपर, कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टिकटॉक के लिए ओरिजिनल कंटेंट किस तरह से बनाना है। उससे पहले आपको एक अकाउंट दिखाऊं जो कि AI कंटेंट पे चल रहा है। 14 मिलियन व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर, 8 मिलियन व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर, 4 मिलियन व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर, बाकी वीडियोज़ पर भी ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं। अब अगर मैं आपको इस वीडियो के एनालिटिक्स दिखाऊं जो कि 14 मिलियन व्यूज़ पे गई है, कि 14 मिलियन व्यूज़ पे इस वीडियो ने मुझे कितने फॉलोवर्स दिए, 3,28,000 इस वीडियो ने फॉलोवर दिया। दूसरी वीडियो जो 8 मिलियन व्यूज़ पे गई है, 2 लाख फॉलोवर इस वीडियो ने दिया। तीसरी वीडियो जो 4 मिलियन पे गई है, 80,000 फॉलोवर मुझे इस वीडियो ने दिया। रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
अब एक तो ये कि AI कंटेंट के ऊपर आपकी सारी की सारी US UK की ऑडियंस ही आएगी, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा और सारी आपकी प्रीमियम कंट्रीज़ की ऑडियंस आएगी इस तरह के कंटेंट के ऊपर। जब आपकी प्रीमियम कंट्रीज़ की ऑडियंस आएगी इस तरह के कंटेंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये कि आपका RPM खुद ब खुद ही अच्छा आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने किस तरह से करनी है और AI कंटेंट पे अर्निंग किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट है जिस पे अर्निंग हुई है $1800, एक हुए हैं 400, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था $300, फिर 400, फिर 400, फिर यहाँ पे $1800 की अर्निंग हुई है जो कि पेड भी हुई है, ठीक है, ये इसका स्टेटस है, ठीक है। अब इस अकाउंट ने टोटल कितने डॉलर बनाए हैं, 4.8 मिलियन व्यूज़ पे इस एक अकाउंट ने $3200 बनाए। ये सारी चीज़ें आपने किस तरह से करनी है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लो क्योंकि मैं यहाँ पे टिकटॉक के रेलिवेंट अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पे भी मैं टिकटॉक के रेलिवेंट जितने भी अपडेट्स आती हैं वीडियो फॉर्म में शेयर करता रहता हूँ। फर्दर ये कि आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्दर वीडियोज़ आएंगी जो कि कोर्स वाइज होंगी, ठीक है। बाकी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, आज आपकी AI कंटेंट पे क्लास है। सबसे पहले हमें टॉपिक्स चाहिए कि हमने किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी, हम कोई भी रैंडम वीडियो तो बना नहीं सकते AI के ऊपर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पूरा साल ही वायरल चलते हैं, आप इन टॉपिक्स को पकड़ो, पकड़ने के बाद इन पे आप आगे स्क्रिप्ट जनरेट करो, आगे हमने फिर वॉइस ओवर करना है, फिर आगे वीडियोज या पिक्चर लगा के इस पर कॉन्टेंट बनाएंगे, ठीक है। टॉपिक हमारे यही रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल हॉरर स्टोरीज है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आपने क्या करना, सिंपली आपने हॉरर स्टोरीज को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, एज इट इज़ आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। सेमी कोलन्स के अंदर आपका जो भी टॉपिक होगा वो आपने पेस्ट कर देना। फ्रेंडशिप एडवाइजेज है तो आपने यहाँ पे फ्रेंडशिप एडवाइजेज पेस्ट करना है। स्क्रिप्ट हमारी फिर एज इट इज़ हमने इसको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद चैट GPT पे लेके जाएंगे, वहाँ से हमने फिर इसकी स्क्रिप्ट जनरेट करवा लेनी, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या हुआ है, जनरेट एन इंगेजिंग वीडियो स्क्रिप्ट ऑन द टॉपिक ऑफ हॉरर स्टोरी, कीप इट सिंपल एंड ईजी अंडरस्टैंडेबल एंड द एम ऑफ ए वीडियो ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर, हॉरर स्टोरीज के टॉपिक के ऊपर एक वीडियो की स्क्रिप्ट बना के दो, इसको आपने ईजी अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स के अंदर रखना है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर रखना है, और मेरा जो एम है वो 1 मिनट की वीडियो बनाने का, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद आपका जो ये फर्स्ट टूल है जिससे हमने स्क्रिप्ट लेनी है इसको हम यूज़ करेंगे, चैट GPT पे आप चले जाओगे, ठीक है। चैट GPT पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, अब ये क्या करेगा, हमें इसी के रेलिवेंट स्टोरी बना के देगा। अब ये जो स्टोरी इसने बना के दी है, इसका जो टाइटल है वो दी मिरर है, और इसने हमें इस तरह की स्टोरी बना के दी जैसे एक डायरेक्टर को उसने एक स्टोरी लिख के दी है कि आपने किस किस को क्या क्या रोल देना, इस तरह से हमने हमें इसने ये बना के दी है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, ठीक है। अब हमें इस तरह से स्टोरी चाहिए नहीं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चाहिए नहीं, हमने अब इसको नेक्स्ट कमांड देनी है, आई नीड इट इन 1 पैराग्राफ, कि मुझे ये स्टोरी एक ही पैराग्राफ के अंदर करके दो। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, मुझे ये एक ही पैराग्राफ के अंदर ये जो स्क्रिप्ट है वो करके दे देगा, ठीक है। अब मेरे पास जो मेरा पहला काम था कि मुझे मेरी स्टोरी लाइन चाहिए थी, मेरी स्क्रिप्ट चाहिए थी, वो आ गई, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट आ गई है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसको दूसरा काम, इस पर क्या करना है, हमने 11 Labs के थ्रू वॉइस ओवर जनरेट करना है। 11 Lab एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आउट हम वॉइस बनाते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमने वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना होता है। हम 11 Lab पे इस टेक्स्ट को लेके जाएंगे, एज इट इज़ आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप आ जाओगे 11 Labs पे, ठीक है। इस तरह से सॉफ्टवेयर है, इनके लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये स्क्रिप्ट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जो हमारे पास टॉपिक्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आपने एज इट इज इसको पेस्ट करना, पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने साउंड सेलेक्ट कर लेनी है, एडम की साउंड सेलेक्ट कर लें या आप नील की साउंड सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये दो ऐसी साउंड्स हैं जो कि काफ़ी डीप साउंड है और इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर ये अच्छी ट्यून निकल के आती है, ठीक है। अब हम जनरेट पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये जो टेक्स्ट है उससे आगे अब इसने हमें इसका वॉइस ओवर बना के दे दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, अब सिंपली इस वॉइस ओवर को हम डाउनलोड करेंगे। हमारे पास जो हमारा पहला काम था, हमें स्क्रिप्ट चाहिए थी, वो हमने ले ली चैट GPT से। फिर इसके बाद उस स्क्रिप्ट को आगे वॉइस ओवर में करना था, वो भी आ गया। अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, पहला काम मुझे जो वॉइस ओवर चाहिए था हमारी वीडियोज़ के लिए वो मैंने जनरेट कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर विजुअली पिक्चर्स या कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे मेरी वीडियो नज़र आए, ठीक है। स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमने अब आगे पिक्चर या वीडियोज़ लेनी है तो वो किस तरह से लेंगे। हमारे पास एक टूल है, लियोनार्डो AI इसका नाम है। आप इस टूल को यूज़ करते हुए जो भी टेक्स्ट दोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे लिखते हो ये टूल इस तरह का है, ठीक है,
अगर आप यहाँ पे आके इस टूल पे लिखते हो यहाँ पे कैट इन वाटर, तो ये आपको उसी तरह की पिक्चर बना के दे देगा जिसमें कैट एक पानी के अंदर होगी। ठीक है, हमने अब इससे पिक्चर जनरेट करवानी, स्टोरी लाइन की हमें समझ आ गई, हमारी स्क्रिप्ट है, हमने आगे इससे इस पर पिक्चर जनरेट करवानी है, तो वो हम इस तरह से वर्ड्स को कॉपी करके तो जनरेट करेंगे नहीं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इन द ओल्ड जॉनसन हाउस, अगर मैं ये कॉपी करूँगा वन बाय वन कॉपी करके, तो मुझे इस तरह से काफ़ी टाइम लगेगा। अब हमने इस पर भी जो है AI की हेल्प लेनी है, AI को बोलेंगे हम, हमने पिक्चर जनरेट करवानी है लियोनार्डो AI से, हमने ये थर्ड प्रॉम्प्ट कॉपी करनी जिसमें लिखा हुआ कि जनरेट मी 10 प्रॉम्प्ट्स ऑफ इमेजेस रिलेटेड टू द स्क्रिप्ट ऑफ द जनरेटिंग इन लियोनार्डो AI। ठीक है, अब इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि मुझे 10 एक प्रॉम्प्ट्स बना के दो इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को ऑब्जर्व करते हुए, इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को ऑब्जर्व करते हुए 10 प्रॉम्प्ट्स बना के दो, जिसके थ्रू आउट आगे मैंने लियोनार्डो AI से पिक्चर जनरेट करनी है। इसको मैं यहाँ पे अब पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 10 प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपने सिंपली उन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट करना है, उसके थ्रू आउट आपकी पिक्चर्स बन के आना शुरू हो जाएंगे लियोनार्डो AI से। ठीक है, अब ओल्ड जॉनसन हाउस एट नाइट, ठीक है, मैं इसको अब कॉपी करूंगा। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट कर देता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक हमारे पास ये टाइटल आ गया, इसके थ्रू आउट हम अपनी पिक्चर बनाएंगे। दूसरे नंबर पे इसने साथ ही टेक्स्ट दे दिया, इसको भी हम कॉपी पेस्ट करके पिक्चर जनरेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ टाइटल को। ठीक है, टाइटल कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा लियोनार्डो AI पे, यहाँ पे मैंने ये प्रॉम्प्ट दी। इसके बाद मैं फ्रेम अपना सेलेक्ट करूँगा, मोर पे क्लिक करके आपने 9x16 का फ्रेम करना, क्योंकि हमने वीडियोस बनानी है टिकटॉक के लिए, तो यहाँ पे हमारा 9x16 का फ्रेम चलेगा। पिक्चर्स की क्वांटिटी आ गई, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा, तो मुझे ये उसी के अकॉर्डिंग पिक्चर जनरेट करके देना शुरू कर देगा। ठीक है, आपने इसी तरह से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। ओल्ड जॉनसन हाउस मैंने लिखा, अगर मेरे पास रिलेटेड टू माय स्क्रिप्ट पिक्चर्स आ जाएंगी मैं उनको डाउनलोड कर लूँगा, अगर उनमें किसी किस्म की लैगिंग हुई तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके नीचे जो इसने ये दिया हुआ पैराग्राफ इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा लियोनार्डो AI पे, एज इट इज़ इसको पेस्ट करूँगा और मुझे ये उसी के रेलिवेंट पिक्चर्स बना के देना शुरू कर देगा। ठीक है, आपने वन बाय वन इसी तरह से सभी वर्ड्स को कॉपी पेस्ट करते जाना। ठीक है, अब ये 10 प्रॉम्प्ट्स हैं, इसका मतलब है कि पूरी स्टोरी लाइन इसने 10 प्रॉम्प्ट्स के अंदर दी हुई है कि आप ये मतलब जो भी टॉपिक्स हैं, जिन भी टॉपिक्स पे बात हो रही है, ये जिन भी जुमलों पे बात हो रही है, वो ये वो सारे जुमले हैं और इन पे आप आगे पिक्चर जनरेट करवा लो। ठीक है, मैं पहला ये कीवर्ड कॉपी करूंगा, कॉपी पेस्ट करके इससे इसकी पिक्चर जनरेट करवाऊंगा, फिर इसकी पिक्चर जनरेट करवाऊंगा, फिर एज इट इज़ सभी को मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके इनकी पिक्चर जनरेट करवाऊंगा। अब आपने मैक्सिमम 4 और मिनिमम आपने 2 पिक्चर जनरेट करवानी। इसका रीज़न ये है कि समटाइम इस तरह से होता है कि कोई एक जुमला है, जैसे कैट इन वाटर, ये छोटा सा जुमला, इस पर 2 पिक्चर लगाएंगे तो हमारा वो काम चल जाएगा वहाँ तक। ठीक है, अगर कोई लेंथी जुमला है तो उस पर हमारी 4 पिक्चर्स लगेंगी, जो छोटा जुमला होगा उस पर 2 पिक्चर्स आएंगे, क्योंकि अगर हम छोटे जुमले पे जैसे कैट इन वाटर मैंने बोला 4 पिक्चर्स लगा देंगे, वो इतनी तेज़ से मूव करेंगी कि समझ लो कि हमारी वीडियो में किसी किस्म की अच्छी इंगेजमेंट नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ मैंने ऑलरेडी इस पर पिक्चर जनरेट की हुई हैं, शायद नेट स्लो की वजह से वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं इसको बैक जाकर दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपके पास इस तरह से लियोनार्डो AI आ जाएगा, आपने लिख देना यहाँ पे रियल टाइम जनरेट, यहाँ पे मतलब आपके पास मतलब मल्टीपल टॉपिक्स आ जाते हैं, जो भी आप चूज करना चाहो। यहाँ पे हमने क्लिक करना है जनरेट इमेज जनरेट पे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम अपनी प्रॉम्प्ट दे देंगे और ये हमें उसी के रेलिवेंट पिक्चर्स बना के दे देगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, आपने इससे पिक्चर्स डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जो भी आपके टॉपिक वाइज आपको पिक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी यहाँ पे ये बना रहा है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने पिक्चर्स यहाँ से डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने के बाद हम उसको लेके जाएंगे आगे कैपकट के ऊपर, जो कि हमारा 4th टूल है जिसको हमने यूज़ करते हुए अपनी वीडियो बनाने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैपकट ओपन कर लेता हूँ जब तक ये पिक्चर जनरेट हो रही है। ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वॉइस ओवर और पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं, इनकी मैं आपको एडिटिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, पिक्चर्स को जनरेट करना टाइम लग जाएगा, 10 से 15 मिनट इसी में लग जाने, तो फिर ये कि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। कोशिश हमने ये करनी है कि क्लास हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब ये पिक्चर्स अभी भी जनरेट कर रहा है, यहाँ पे हम अपने कैपकट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कैपकट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद सारे का सारा मटीरियल हमारा वॉइस ओवर, ठीक है, वो हमारी पिक्चर्स वो भी हमने यहाँ पे ले आनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फिर मैं आगे इनको बताता हूँ कि आपने करना क्या। ठीक है, यहाँ पे देखें ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं AI के थ्रू। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक फ्रेश वीडियो बना कर दिखाता हूँ, मटेरियल उठा लेता हूँ यहाँ से, ये मेरी पिक्चर्स आ गई। ठीक है, जो कि मैंने यूज़ करनी है,
साथ वॉइस ओवर है और अदर पिक्चर था जो कि इसी टॉपिक पे है, वो मैंने सारे के सारा मटेरियल यहाँ पे कैपकट के अंदर लेके आ गया। ठीक है, वॉइस ओवर को मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे लेके आऊँगा। वॉइस ओवर टाइमलाइन पे लाने के बाद मैं अपनी पिक्चर्स को अब यहाँ पे वन बाय वन लेके आऊँगा, या आप एक साथ भी लेके आ सकते हो, लेकिन ये कि फिर आपने देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे क्या बोला जा रहा है। जैसे मैंने वही आपको अगेन से उसी चीज़ की एग्जांपल देता हूँ कि अगर उसने बोला कैट इन वाटर, स्क्रिप्ट के अंदर है कैट इन वाटर, तो आपने देखना है कि कैट इन वाटर की पिक्चर मैंने कहाँ पे लगानी। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ फिर मूवमेंट उसके अंदर करनी, ना कि इस तरह से हो कि वो हमारी जो है पिक्चर्स कहीं आ रही हों और बोल वो कुछ रहा हो, तो फिर इस तरह से वीडियो की इंगेजमेंट ख़राब हो जाती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने वन बाय वन अरेंज कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो है मैंने सारी की सारी पिक्चर्स भी लगा दी, मेरा वॉइस ओवर भी आ गया। अब ये जो मैंने पिक्चर्स डाउनलोड की हैं, ये सिर्फ 20 सेकंड का जो ये वॉइस ओवर है, ठीक है, यहाँ तक जो ये वॉइस ओवर है उसके लिए पिक्चर्स हैं, बाकी के वॉइस ओवर के लिए पिक्चर्स अभी मैंने इसके ऊपर नहीं बनाई थी। इस वजह से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो चाहिए थी। अगर आपने मोनेटाइज अकाउंट पे वीडियो लगानी है तो आप एक मिनट प्लस की वीडियो बनाओगे और आप अपनी सारी की सारी प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट करके अपनी पिक्चर जनरेट करोगे। जैसे कि अभी यहाँ पे तब ये शो नहीं कर रहा, शायद इंटरनेट स्लो की वजह से हो रहा होगा। बस आपने सिंपली एज इज कॉपी पेस्ट करके 10 की 10 प्रॉम्प्ट्स की पिक्चर्स बनवा लेनी। जैसे अभी यहाँ पे आपके पास ये पिक्चर्स आने सारी की सारी एआई के थ्रू ही बनी हुई। ठीक है, फिर आपने इनको एडजस्ट कर लेना अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेरी ये पिक्चर्स एडजस्ट होगी। अगला काम मैंने इस पे क्या करना है, अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की चलेगी। In July 1969, during the ठीक है, बिल्कुल सिंपलिसिटी है, एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर के अंदर मूवमेंट बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म के अंदर आ रहा है। अगर आपकी वीडियो के अंदर ये चीज़ होगी तो टिकटॉक आपका मोनेटाइज नहीं करेगा। आपने क्या करना, आपने इनके अंदर ट्रांजेक्शन लगानी। ठीक है, आप उस पिक्चर पे सिलेक्ट करोगे जिस पे ट्रांजेक्शन लगानी। पिक्चर पे मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन में आ जाऊंगा। एनिमेशन पे आने के बाद आपने कॉम्बो पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे आके कॉम्बो से मल्टीपल ट्रांजेक्शन लगा दो, या फिर इन आउट किए जो ट्रांजेक्शन है यहाँ से भी आप ट्रांजेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन को डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप ये ट्रांजेक्शन लगा दो। ठीक है, डिड यू नो, मैं ये ट्रांजेक्शन को डाउनलोड कर लेता हूँ। पहली वीडियो पहली पिक्चर के ऊपर मैंने ये ट्रांजेक्शन लगा दी। ठीक है, ये इस तरह से चलेगी। ठीक है, मतलब अब ये छोटी ट्रांजेक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, अगर वो छोटी पिक्चर है या इसकी ड्यूरेशन इतनी होती तो मैं फिर वही ट्रांजेक्शन लगाता, लेकिन इसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा, मैं इस पर कॉम्बो पे जाऊँगा, कॉम्बो की ट्रांजेक्शन लगाऊंगा। ठीक है, कॉम्बो आ गया, कॉम्बो पे मैं इस तरह से मल्टीपल ट्रांजेक्शन को देखूंगा। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को मैं लगा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद मैं दूसरी पिक्चर पे क्लिक करूंगा, उस पर मैं और ट्रांजेक्शन लगा दूंगा। तीसरी पिक्चर आ जाएगी, उस पर मैं और तरह की ट्रांजेक्शन लगा दूंगा। चौथी पिक्चर आ जाएगी, उस पर और तरह की ट्रांजेक्शन लगा दी। फिर इस तरह से वन बाय वन आपने सभी पिक्चर्स के ऊपर ट्रांजेक्शन लगा देनी। ठीक है, इस पर मैं और तरह की ट्रांजेक्शन लगा देता हूँ। ठीक है, ये आपकी वन बाय वन सभी पिक्चर्स के ऊपर ट्रांजेक्शन लग जाएगी, जो कि आपने मैनुअली इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, अब ये मेरी सारी की सारी इस पर ट्रांजेक्शन लग गई है। ठीक है, ट्रांजेक्शन लगने के बाद अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह की बनी है। ठीक है, अब इसकी मैं यहाँ से ट्रांजेक्शन जो पहले वाली लगी हुई है उसको मैं यहाँ से खत्म कर दूँ, क्योंकि ये जो है मेरी इस वीडियो के ऊपर अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, इन जुलाई 19 अब इस ट्रांजेक्शन, अब देखें आपने जब भी वीडियोज बनानी है उसके अंदर ट्रांजेक्शन की भी इम्प्लीमेंटेशन आपने देखनी है कि क्या मेरी वो ट्रांजेक्शन जो मैंने उस वीडियो के ऊपर लगाई हुई है वो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। अगर वो बिल्कुल सी इस तरह की फॉर्म में होगी कि वो वीडियो में अच्छी नजर ना आ रही है तो फिर समझ ले कि सामने वाला बंदा कभी भी आपकी उस वीडियो के ऊपर इंगेज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपने मैनुअली इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है कि आपकी वीडियो के ऊपर आपने ट्रांजेक्शन उस तरह की लगाई हो जो कि अच्छी नजर आ रही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन इसके अंदर आई है। ठीक है, In July 1969, during the Cold War space race, Neil Armstrong and Buzz Aldrin alleged. ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन इस तरह से आ गई। फिर हमने इसके ऊपर फर्दर ट्रांजेक्शन भी लगानी है। आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे आ जाओगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा एक काम हो गया, हमने इसके अंदर एनिमेशन इनपुट कर दी। इससे क्या होगा कि टिकटॉक हमारी वीडियो को इतना एलिजिबल कर देगा कि वो मोनेटाइज हो जाए, लेकिन फिर भी हमने इसके ऊपर फर्दर ट्रांजेक्शन लगानी जो कि हमारे कंटेंट को टिकटॉक पे किसी भी किस्म के इशू की वजह से, मतलब वो डिसक्वालीफाई ना हो, वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए हमने इसके अंदर फर्दर ट्रांजेक्शन भी लगानी। तो आप ये एक सिंपल दो तीन ट्रांजेक्शन उठा के अपनी सारी की सारी वीडियो के अंदर इनपुट कर सकते हो। जरूरी कि आपने भर भर के मल्टीपल ट्रांजेक्शन से लगानी है। और एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर की मोशन के अंदर इतना गैप हो कि सामने वाला बंदा जो भी आपकी वीडियो पे आए वो देखे कि ये पिक्चर के अंदर क्या चीज दिखाई जा रही है। ये ना कि वो इतनी छोटी पिक्चर हो कि वो एकदम आए एकदम चली जाए, तो इस तरह से सामने वाला बंदा कभी भी आपकी वीडियो के ऊपर स्टे नहीं करेगा, उसने आपकी वीडियो को स्किप कर देना। ठीक है, इसके बाद हमने अगला काम क्या करना है, अगर मैं अब इसको प्ले करता हूं तो ये कुछ इस तरह की वीडियो बनेगी। ठीक है, यहां पे मैं स्टार्ट पे आता हूं। In July 1969, during the Cold War space race, Neil Armstrong and Buzz Aldrin allegedly stepped onto the moon.
ठीक है। अब ये कुछ इस तरह की बनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम इसके ऊपर है, हमने अपने वॉइस ओवर को एडजस्ट कर लिया, पिक्चर्स को एडजस्ट किया, फिर उसके ऊपर हमने एनिमेशंस लगाई, फिर उसके ऊपर ट्रांजिशंस लगाई, फिर इसके बाद हमने चले जाना है कैप्शंस पे। कैप्शंस पे जाने के बाद आपने कैप्शन टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने कोई एक ग्लोई ट्रांजिशन या ग्लोई कैप्शंस को सिलेक्ट कर लो जो कि आपकी वीडियो के ऊपर अच्छा लगे, क्योंकि ये डार्किश बैकग्राउंड है, तो इस वजह से अगर मैं इस पर ये ग्लोई ट्रांजिशन लगाऊंगा कैप्शंस, तो ये मेरी वीडियो के ऊपर अच्छी नजर आएंगे। ठीक है, मैं ये ऑटो जनरेट पर क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली मेरी इस वीडियो के ऊपर मुझे कैप्शन जनरेट करके दे देगा, जो भी वो बोल रहा है उसी के रेलिवेंट उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से डिड यू नो इसने बोला, इस तरह से इसके ऊपर ये कैप्शंस आ गए। अब इन कैप्शंस को मैं उठाऊंगा अपनी जो स्क्रीन है, अब इसका ये मिड है, मिड से मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे रखूंगा, क्योंकि जो ह्यूमन आई है वो मोस्टली रील्स की वीडियोस के ऊपर यहीं पे सबसे पहले पॉइंट करती है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे रखूंगा। और साइज आपके आपने इसका थोड़ा सा छोटा कर लेना इस तरह से। ठीक है, ये ना हो कि वो मतलब आपका साइज इतना बड़ा, और यहाँ पे क्योंकि आपका लाइक फॉलो इस तरह के वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं तो वो उसमें घुसा हुआ तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने इस तरह से करना है, मिड से थोड़ा सा आपने नीचे टेक्स्ट को रखना है। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूं तो ये कुछ इस तरह की वीडियो नजर आएगी। In July 1969 during the Cold War space race, Neil Armstrong। ठीक है, अब अगला काम इसमें मैंने क्या करना है, वीडियो मेरी यहाँ तक ओके हो गई है, मतलब यहाँ पे एक चीज़ की मिसिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक। हमने अपनी हर वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना होता है। अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक आप टिकटॉक की लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हो। ये जो टॉपिक है मेरा, ये इस तरह का टॉपिक है कि इसके अंदर किसी मिस्टीरियस टॉपिक पर बात हो रही है, ठीक है, किसी मिस्टीरियस चीज़ को ये कवर कर रहे हैं, तो मैं इसके अंदर अगर म्यूज़िक लगाता हूँ कोई इस तरह का कि जो डीप हॉरर म्यूज़िक हो, वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, आप टिकटॉक की लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे आप लिखो डीप हॉरर म्यूज़िक, वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी ये एक म्यूज़िक है, इसको मैं यहाँ पे अपनी टाइमलाइन पे लेके आता हूँ। टाइमलाइन पे लाने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करता हूँ, वीडियो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और ऑडियो जहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है वहाँ तक मैं ये ऑडियो रखूँगा। ठीक है, फर्दर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कंट्रोल बी से कट करके अपनी वीडियो में से निकाल दूंगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट था, इसको मैं ऐसे रिमूव कर दूंगा। और इसकी जो पिच है वो आपने थोड़ी सी कम कर दी, इसकी जो टून है वो थोड़ी सी कम कर देने, ये ना हो कि म्यूज़िक की साउंड ज़्यादा आ रही हो और जो वो बंदा बात कर रहा हो वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर सुनाई दे रही हो, तो इस तरह से आपकी वीडियो के ऊपर कोई भी इंगेज नहीं रहता। ठीक है, साउंड हमने लगा दी, म्यूज़िक हमने लगा दी, फिर इसके बाद हमने टेक्स्ट पे चले जाना। टेक्स्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट करना है जिसमें हमने अपने कंटेंट की ब्रांडिंग करनी है। हम इस तरह से अपने कंटेंट को लगाएंगे तो हो सकता है कि कोई हमारे कंटेंट को कॉपी कर ले, इस वजह से हमने उस कंटेंट की ब्रांडिंग भी करनी होती है ताकि हमें किसी किस्म की उसके ऊपर प्रॉब्लम ना। ठीक है, टेक्स्ट पे आ गए, ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट पे क्लिक करके मैंने क्या करना है, मेरे अकाउंट का जो भी यूज़र नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट का यूज़र नेम है @ABC। ठीक है, मैंने ये लिखा, फिर इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ठीक है, इतना इसका मैंने साइज़ रखा, इतना बड़ा साइज़ भी नहीं रखना कि वो भद्दा सा नज़र आए। बिल्कुल आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद और इस पर आपको किसी किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अगर आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी तो वो कम कर सकते हैं, 70 के राउंड अबाउट उस पर उसकी आप ट्रांसपेरेंसी रख लो। ठीक है, ये आपने काम किया, आपकी मोबाइल से भी एज इट इज़ ये एडिटिंग हो जाएगी, पीसी से भी एज इट इज़ ही हो जाएगी, प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं है। अब अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की वीडियो बनी है। In July 1969, during the Cold War space race, Neil Armstrong and Buzz Aldrin allegedly stepped onto the moon. However, some skeptics argue that the entire Apollo 11 mission was staged in a Hollywood studio. Despite claims of waving flags, radiation belts, and non-parallel shadows, experts have debunked these theories. अब ये मेरी वीडियो इस तरह की बनी, मतलब कि मेरी पिक्चर्स की मूवमेंट उसी जगह पे है जिस जगह पे होनी चाहिए थी जो उसने बोला है। अगर उसने मून का नाम लिया था तो ये मून के सरफेस पे इस तरह से एस्ट्रोनॉट आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर उसने ये स्टेज का नाम लिया था, 1969 जो भी इसने बोला था वो स्टेज का नाम लिया था, कैमरास का नाम लिया था, उसी तरह से वो ट्रांजिशंस आ गई। आपने अपनी पिक्चर्स को उसी तरह से एडजस्ट करना है जो कि टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे बात हो रही हो उसके साथ ही वो पिक्चर चले, फिर इसके बाद अगली मूवमेंट है। ठीक है, ये आपने मैन्युअली इंप्लीमेंटेशंस करनी है। इस तरह से आपका AI कंटेंट बनेगा और ये कंटेंट इतनी पोटेंशियल रखता है कि टिकटॉक पे एक दफ़ा से जब वायरल हो गया तो फिर आपको समझ ले कि उस पर वो अच्छे पैसे बना के ही जाएगा। ठीक है, फिर आपने इस वीडियो को सिंपली एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्वालिटी 2K सेलेक्ट कर लो और FPS जो है वो आप 50 सेलेक्ट कर लो। आप अगर 4K यहाँ पे क्वालिटी सेलेक्ट करते हो और 60 FPS पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो वो क्या करेगा कि आपके पिक्सल्स को डिस्टर्ब करेगा। आप ये नॉर्मल इस तरह से रखो, इसके बाद आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो। फिलहाल मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट करने के बाद आप इस कंटेंट को टिकटॉक पे लगा सकते हो इस तरह से बना के। किसी का कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट एज इट इज़ आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं जिसको आप आगे टिकटॉक पे इजीली लगाओ। ठीक है, एक दफ़ा से वायरल हो गया फिर समझ लो कि फिर
जिंदगी भर के पैसे पैसे ही पैसे हैं, टिकटॉक कितने पैसे दे रहा है, ठीक है। बाकी ये कि आप मेरे इस फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर लें, आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहेंगी, और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो भी टिकटॉक के रेलिवेंट अपडेट्स आ रही हों वो सारी की सारी मिलती रहे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, जब आपकी क्लास है अप्लाइंग फॉर मोनेटाइजेशन के ऊपर, क्या आपने टिकटॉक के अकाउंट को मोनेटाइजेशन के लिए किस तरह से अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल, ये एक अकाउंट है, इसको हम आज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो, ना तो इस अकाउंट के फॉलोअर्स कंप्लीट है, ना ही व्यूज़ कंप्लीट है, लेकिन फिर भी इसको मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाला, क्योंकि ये मोनेटाइज हुआ है 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम के थ्रू। ये टिकटॉक की एक नई मोनेटाइजेशन आई है, जिसमें इन्होंने बोला हुआ कि आपके पास अगर यूट्यूब का चैनल है जिसके ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर है, या इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसके ऊपर 1,00,000 फॉलोअर्स है, तो उसको आप टिकटॉक के साथ लिंक करो, हम आपको मोनेटाइज कर देंगे, ठीक है। आगे क्या करना, आपने इस तरह का आपके पास जो भी अकाउंट होगा जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, 10,000 फॉलोअर कंप्लीट है, 1,00,000 व्यूज कंप्लीट है, आपने क्या करना है, जितनी भी उसके ऊपर कॉपीराइटेड वीडियोस लगी होंगी, अब ये जो कंटेंट है ये पॉडकास्ट का कंटेंट है, ठीक है। किसी किस्म की पॉडकास्ट हो रही है, जैसे पाकिस्तानी तजियाकार बैठे होते हैं पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, वैसे ही ये पॉडकास्ट का कंटेंट है। जो भी आपका कॉपीराइट कंटेंट होगा, आपने वो सारे का सारा कंटेंट प्राइवेट करना है, ठीक है। जितनी भी वीडियोज होंगी वो सारी आपने अपने अकाउंट पर प्राइवेट कर देनी, ओनली मी कर देनी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वीडियो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसकी 3 लाइंस पे क्लिक करूँगा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है प्राइवेसी पे, प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ओनली मी कर देना, ठीक है। जितनी भी आपकी वीडियोस होंगी उन सबको आपने ओनली मी कर देना, ठीक है। ये अपना आपका पहला काम होगा, सारी वीडियोस आपने ओनली मी करके इसके ऊपर अपनी रियल फेस की वीडियोस बना के अपलोड करनी है, 8 से 10 एक एक मिनट की, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा टिकटॉक को, हमने ये शो करवाना है कि ये हमारा कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट पे चल रहा है, इस वजह से हमने 8 से 10 एक एक मिनट की फेस की वीडियोस बना के अपने अकाउंट पे अपलोड करनी, ठीक है। फिर उसके 24 से 48 घंटे के बाद हमने उस अकाउंट को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना, ठीक है। आपके पास इस तरह से आ जाएगा क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, जब आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास नीचे अप्लाई का बटन बना हुआ था, आप उस पर क्लिक करोगे आपका वो अकाउंट इन रिव्यू चला जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा जो कि अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। टिकटॉक की मोनेटाइजेशन का हिसाब और अदर प्लेटफॉर्म्स की मोनेटाइजेशन का हिसाब डिफरेंट है। फेसबुक पे इस तरह से है कि जब आपने अपना पेज मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करना होता है, आपको अपनी पे आउट की डिटेल सारी चीज़ें इनपुट करना पड़ती है, फिर वो इन रिव्यू जाता है, फिर वो बताते हैं कि अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भी इस तरह से है कि आप पहले मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, आपका अकाउंट जब मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद ही आपको बोलते हैं कि अब आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो, पेमेंट मेथड सेटअप करो, ठीक है। मोनेटाइज अब ये हो चुका है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है, वो मोनेटाइजेशन के लिए इन रिव्यू में चला जाएगा, 24-48 घंटे में अप्रूव हो गया आपके पास आपका अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाता है। अब आपने आगे काम क्या करना है, आपने इस अकाउंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी, आपने वेरीफाई आइडेंटिटी पर क्लिक करना है। यूके के अकाउंट्स के ऊपर एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की, इस वजह से आप यूएसए के अकाउंट्स पे काम करो, बेटर यही है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा आपकी जिस भी कंट्री का आईडी कार्ड है, पाकिस्तान है तो आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद आईडी कार्ड के थ्रू आउट आपने अप्लाई करना है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के थ्रू करना है। मैं यहाँ पे आईडी कार्ड सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तानी आईडी कार्ड और मैक्सिमम अकाउंट पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू आउट ही मोनेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट जो इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे इन्होंने आपसे बोला होता है कि आपका जो भी आईडी कार्ड या जो भी चीज़ आप मतलब इनपुट करोगे वो ना तो ब्लर हो, ना उसके ऊपर किसी किस्म की जल लगी हुई हो, ना ही वो इस तरह, क्योंकि आधी बाहर नज़र आ रही हो और आधी नज़र ही ना आ रही हो पिक्चर, इस तरह से भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली इसको टिक मार करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर इसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब कैमरा ओपन हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये एक आईडी कार्ड है जो कि है मतलब फेक बना हुआ है यूएसए की डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको वैसे ही आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने करना किस तरह से, मतलब इस तरह से आपके पास आईडी कार्ड आ गया। आपने अगला काम क्या करना है, आपने पिक्चर क्लिक कर लेनी है, बिल्कुल आपने क्लियर पिक्चर लेनी, मैं तो ये वैसे ही आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर आपने इसको कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद उसी आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर आपने ली, ठीक है। बैक साइड की पिक्चर लेने के बाद आपने उसको कंफर्म करके उसको अपलोड कर देना, ठीक है। अब ये सिर्फ मैंने आपको करने के लिए दिखाया, ठीक है। आपने इस तरह से अपनी रियल आईडी कार्ड के थ्रू आउट बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर रख के इसको आगे अप्लाई कर देना, किसी किस्म की उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अभी आप मुझे बता रहे हैं कि आईडी कार्ड इशू है क्योंकि बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आपने बस एक काम करना है, जब आप इस तरह से जैसे पहले आपको मैंने करके दिखाया नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इन रिव्यू चला जाएगा। मैं फिलहाल इसको नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपना आईडी कार्ड नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी ये प्राइवेसी है, ठीक है। आई डोंट हैव आईडी कार्ड, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके बैक आ जाता हूँ, ठीक है।
आपका जब यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दोगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ रहा वेरीफाई, ये इन रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना होता है, इसके ऊपर आपने पेमेंट सेटअप पे आपने क्लिक करना है, पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। पेमेंट मेथड पे जब आप क्लिक करोगे, यूके के अकाउंट्स के ऊपर आपके पास पेओनियर या बैंक का ऑप्शन भी आता है, लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि पेओनियर के आप लगा तो लोगे लेकिन उस पर आपको प्रॉब्लम ही आएगी कि पेओनियर के अंदर आपकी पेमेंट नहीं आती। ऑलरेडी मेरा एक स्टूडेंट है जिसकी पेओनियर के अंदर पेमेंट फंसी हुई है, इसी तरह से कि उसने मतलब अपनी तरह इवन दो कि उसका पाकिस्तान का पेओनियर भी नहीं है, उसने अपनी एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर अदर कंट्रीज की लोकेशन पे बनाया हुआ, लेकिन फिर भी उसकी पेमेंट नहीं आई, ठीक है। तो अब बेटर यही है कि आप पेपल बनवा लो किसी की, मतलब आप या तो अपनी एलएलसी की डिटेल बनवा के उस पर पेपल बनवा लो, या आपका कोई जानने वाला बाहर किसी मुल्क के अंदर है, आप उसको बोलो कि भाई मुझे पेपल बना के दे दो। जब वो पेपल आपको बना के दे दे, आप उसको बोलो कि आप अपना बैंक साथ लिंक कर लो, वहाँ का बैंक लिंक कर लो, ठीक है। जब आपकी पेपल में पेमेंट आएगी, उनको आपने बोलना कि आप ये पेमेंट पेपल से बैंक में ले लो और बैंक टू बैंक मुझे ट्रांजेक्शन कर दो, ठीक है। ये आपने काम करना है। फिर इसके बाद आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके पास एक नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पे आपसे ये पूछेंगे कि आर यू वी ए टी रजिस्टर, मतलब ये कि आप अपने टेक्स्ट वेरीफिकेशन रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं है। यूके के अकाउंट्स के ऊपर इस तरह से होता है, आपने क्या करना है, आपने इसको नो कर देना कि मैं टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। फिर ये बिल्कुल मतलब समझ ले कि टैक्स इन्फॉर्मेशन डन, इस तरह से आपके पास ये होके आ जाएगा, ठीक है। अगर ये होता यूएसए का अकाउंट तो इन्होंने आपको नेक्स्ट एक डैशबोर्ड पे लेके जाना था, जो कि मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास उन्होंने फिर बोलना था कि पेपाल की मेल दें, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है, आपने ना तो अपनी पेपाल की जीमेल किसी को शेयर करनी है, ना ही अपने पेपाल की पासवर्ड किसी को शेयर करना, ये लॉगिन आपकी पर्सनल होती है, क्योंकि जब आपकी टिकटॉक की तरह से पेमेंट आती है, मोस्टली लोग इस तरह से स्कैम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी जो जीमेल है, फॉर एग्जांपल वो है abc@gmail.com, ये आपकी पेपाल की जीमेल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसका पासवर्ड जो भी होगा वो आपने पासवर्ड अपना लगा देना, वहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि पासवर्ड दे, पासवर्ड मेरा कोई भी है, मैं इस तरह से पासवर्ड डाल दूंगा, मेरा वो पेपल अप्रूव हो जाएगा, मुझे किसी किस्म के उसके अंदर फर्दर इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस ये आपने काम करना है, आपका वो अकाउंट इन रिव्यू में चला जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका पेपाल का वो नहीं आ रहा, कह रहे कि वो पेपाल आपका हो गया। जब इसके $100 या 79 euros होंगे, फिर मुझे बोलेंगे कि आप अब अपना पेमेंट मेथड सेटअप करें, ठीक है। तो तब तक ये है कि आपने इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेनी है, पेपाल आपका जब आएगा, ठीक है, $100 कंप्लीट होने पर आपने उस पर पेपाल लगा देना, वो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। किसी किस्म की यहाँ पे इस तरह से नहीं है कि वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो, आपका पेपाल आपने लगाया वो कह के ठीक नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपाल की जीमेल, पेपाल का पासवर्ड एक्यूरेट है, चाहे वो बिजनेस डिटेल्स के ऊपर बना हुआ, चाहे वो पर्सनल डिटेल्स के ऊपर बना है, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे लगाए, आपका वो पेपर लग जाएगा। यहाँ पे समझ ले कि टिकटॉक पे सबसे इजीएस्ट वे या पेमेंट मेथड सेटअप करने का, ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म की निस्बत, ठीक है। सिर्फ आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, वो मैंने आईडी कार्ड के थ्रू आपको करके दिखाया, एसडीज आपने करके दिखा कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा नहीं सकता क्योंकि आईडी कार्ड मेरी पर्सनल डिटेल्स है, मैं इनपुट आपको करके दिखा दूँ, लेकिन ये मेरी प्राइवेसी है। फिर इसके बाद आपने अपना पेपर लगाना है, पेपल की जीमेल, पेपल का पासवर्ड लगाया, आपका अकाउंट इंटरव्यू मतलब अप्रूव होकर आ जाएगा। फिर इस तरह का आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा, जो कि आपकी अर्निंग दिखाएगा कि आपके उस अकाउंट पे अर्निंग क्या हो रही है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये काम है, आपका अकाउंट बिल्कुल अप्रूव होगा, 100% अप्रूव होगा। अगर आपके अकाउंट के ऊपर एज वेरिफिकेशन आता है कि आपकी एज वेरीफाई नहीं हुई, तो आपने क्या करना है, आपने अपना आईडी कार्ड चेंज करके किसी दूसरे आईडी कार्ड के थ्रू अप्लाई करना, और आईडी कार्ड कोशिश करना है सिम वाला आईडी कार्ड हो, डिजिटल आपका आईडी कार्ड हो, जिसमें इंग्लिश के अंदर आपका नाम सारी चीज़ें लिखी हो, ना कि वो उर्दू के अंदर, ठीक है। उस आईडी कार्ड से अप्रूव करोगे, अप्लाई करोगे तो 100% अप्रूव होगा, ठीक है। ये आपने काम किया, आपका अकाउंट अप्रूव होकर इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर ये कि आप अपने उस अकाउंट पर जितनी मर्जी अर्निंग करो, ठीक है। ये आपकी आज की क्लास थी अप्लाइंग फॉर मोनेटाइजेशन के ऊपर। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी ये कि ये मेरा फेसबुक का पेज है, सॉरी अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि टिकटॉक के रेलिवेंट मैं यहाँ पे अपडेट शेयर करता रहता हूँ। फर्दर ये कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, यहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी भी अपडेट आनी मैंने वीडियो फॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करते रहना, ठीक है। आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्दर क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।